जोहार झारखंड, हम लोग आ गए हैं अभी खुटरा मैदान में और खुटरा का सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट एकता टूर्नामेंट यहां पे चल रहा है। आज खुटरा का ही मैच है और खुटरा और जबलपुर एफसी का मैच है। अभी जो फ्री किक मिला है इससे 1-0 से खुटरा हार रहा है, कहीं ये 2-0 ना हो जाए। देखिए मैच का जो माहौल है वो जबरदस्त हो गया है। खुटरा का पूरा भीड़, भरी बारिश में भी छाता लेके लोग खड़े हुए हैं। देखिए फ्री किक के लिए रेडी है और ये अच्छा शॉट, गोलकीपर का बहुत जबरदस्त सेव यहाँ पे, और खुटरा 1-0 से हार रही है लेकिन अभी बहुत मेहनत कर रही है, अभी आउट हो गया है। तो चलिए हाँ आइए देखिए किस तरह से जब इतना भरी बारिश में भी लोग छाता लेके यहाँ पे पहुंचे हुए और मैच देख रहे हैं, तो क्या लगता है इतना भीड़ क्यों है यहाँ पे, इतना छाता लेके भी लोग पहुंचे हुए हैं बारिश में? ये खुटरा का मैच है। हाँ खुटरा का मैच है, तो कैसा खेल रहा है अभी खुटरा? अच्छा है, अच्छा है, लेकिन बैटलर का भी एक माइनस में है। एक माइनस में है तो एक गोल खा चुका है खुटरा जी, तो क्या लगता है आगे चढ़ा पाएगा? नहीं वो तो वसूल करेगा और एक गोल मारेगा भी, वसूल करेगा एक गोल मारेगा भी, पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। तो चलिए देखिए, आप देखिए जो ऑरेंज जर्सी में है वो ऑरेंज कलर का जो सिंगलेट पहने हुई है वो खुटरा है, दोनों का व्हाइट कलर का जर्सी था इसीलिए इनको ऊपर से दिया गया एक्स्ट्रा। और ये देखिए अच्छा माइनस किया गया है, खुटरा में लगातार अटैक कर रहे हैं जबलपुर की टीम, और जबलपुर की टीम जो व्हाइट कलर में खेल रही है, अब खुटरा को मौका मिल सकता है। देखिए किस तरह से जो मैच चल रहा है यहाँ पे, और पूरा ग्राउंड में आप देख सकते हैं लोग छाता लेके खड़े हुए हैं, लगातार मैच में बारिश हो रही है यहाँ पे 2 दिनों से हजारीबाग में, और बारिश में भी भीड़ जो है चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से। और ये देखिए दूसरा गोल, और इस तरह से यहाँ पे दूसरा गोल हो गया है, आप देखिए किस तरह से खुटरा जो है 2-0 से हार रही है। आप ये शानदार गोल देखिए इसी गोल पोस्ट में, यहाँ पे देखिए किस तरह से दूसरा गोल जो हो गया है इस गोल पोस्ट में, और खुटरा की टीम खुटरा में ही जबलपुर अच्छा खेल रही है और 2 गोल मार चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ के दर्शक काफी मायूस, आइए जानते हैं दर्शकों से क्या है आखिर खुटरा का जो माहौल है वो क्या है। और ये देखिए किस तरह से, हाँ ये क्या लगता है खुटरा 2 गोल खा गई है? हाँ सर 2 गोल खा गई तो अब हार हो गई खुटरा की, हार हो गई जी सर, हार हो गई, नहीं अब कोई चांस ही नहीं जीतने की, कोई चांस नहीं है। देखिए यहाँ खुटरा हार गया, हारे ही क्या, उम्मीद तो लग रहा है, अभी देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ 2 गोल खा चुकी है अब खुटरा की टीम, और मैच मैं बोलूंगा थोड़ा मैच दिखाएं, कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा मैच दिखाएं। अब खुटरा जो अटैक करने जा रही है और लोग जो है यहाँ काफी मायूस है क्योंकि खुटरा की टीम जो है 2 गोल खा चुकी है, 2 गोल से हार रही है, और ये एक मौका मिल सकता है खुटरा को फिर नहीं मिलेगा। अच्छा लेकिन आप पूरा जोर लगा रही है खुटरा की टीम, और आप देख सकते हैं लोग जो छाता लेके पूरा पहुंच गए हैं यहाँ पे, किसी तरह से बच्चे बूढ़े जवान हर तरह के लोग जो यहाँ पे आए हैं खुटरा का मैच देखने के लिए, लेकिन मायूस बहुत है। क्या लगता है कौन जीतेगा बाबू? खुटरा, खुटरा जीतेगा। लेकिन अभी 2-0 से हार रहा है, कल जैसा खुटरा आज भी जीतेगा। देखिए तो यहाँ पे सब लोग खुटरा के मैदान में छाता लेके आए हैं, बारिश बहुत तेज है लेकिन फिर भी छाता लेके आए। यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा दिन का जो अपडेट है हम लोग लेते हैं यहाँ पे, इधर आइए जो टीम के जो ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ। हाँ पीछे मैच चल रहा है खुटरा, हाँ क्या चल रहा है आज का अपडेट बताएं थोड़ा, 2 दिन में क्या हुआ? हाँ अभी पहला ये सेकंड क्वार्टर फाइनल चल रहा है खुटरा और जबलपुर के बीच में, अभी 2 गोल से जबलपुर आगे है। अच्छा अब बाकी कल क्या हुआ, कौन जीता? कल 2 मैच हुआ था, पहला मैच हुआ था किसका, पहला मैच बुल्स का एक मैच जी, बुल्स का मैच हुआ था आपका जबलपुर से, तो वो हार गया, तो वो बुल्स हार गया था टाइब्रेकर में। सेकंड मैच हुआ था खुटरा का बरकट्ठा से, अच्छा तो खुटरा जो है वो 3 गोल 3-0 से जीत गया था। और अभी जो है वो जबलपुर और खुटरा का मैच जी, अभी जो जीतेगा वो कहाँ पहुँचेगा? क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल पहुँचेगा, तो आज ही हो जाएगा सेमीफाइनल? नहीं सेमीफाइनल आज नहीं होगा, आज रात में किसका मैच है मतलब? इसके बाद जो है वो मैच है RFC रिटायर्ड फुटबॉल एकेडमी का, राजू 11 से। अच्छा राजू 11 खुटरा का ही टीम जी, तो वो लोग नाइट में खेलेंगे आज, इसके बाद उसका मैच होगा, उसके बाद फिर उसमें जो विनर होगा वो खेलेगा BPSS डुबोलिया से। अच्छा तो अभी मतलब टोटल टीम कितने बचे हैं यहाँ पे? रेस्ट है, लास्ट 4 मैच है, सॉरी 4 टीम है वो जो कल खेलेंगे, वो कल खेलेंगे मतलब 8 तारीख को जी, और 9 तारीख को क्या होगा? 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, 9 तारीख को ही खत्म हो जाएगा जी। तो देखिए 9 तारीख को सेमीफाइनल और फाइनल हो जाएगा, और आज जो है खुटरा का जो मैच चल रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से एक अच्छा शूट का लिया है और एक गोल हो सकता था लेकिन नहीं, बाहर चला गया। खुटरा पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पे, और देखिए लोग जो है छाता लेके पूरा आए हुए हैं यहाँ मैच देखने के लिए, पूरा मैच देखने के लिए। क्या लगता है खुटरा खुटरा जीतेगा क्या?
रीजन यही है कि थोड़ा खेलने में थोड़ा कमजोर है। अपना होम ग्राउंड है खुटरा का, होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड तो है, अभी कोशिश तो कर रहा है। ये देखिए यहाँ कॉर्नर मिला है, अभी हो सकता है गोल होगा, गोल हो सकता है। क्या लगता है खुटरा गोल मारेगा कि नहीं? कभी नहीं मार सकता, ऐतिहासिक नहीं है, कभी मार सकता है। आज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों हार क्यों गया? आज बेमानी नहीं चला। आज रेफरी का गेम बहुत अच्छा है और कोई इस तरह का समझिए। बढ़िया टीम है, जितना भी यहाँ टीम आया है सबसे बढ़िया है जबलपुर, सबसे बढ़िया है जी। फाइनल जबलपुर से अब खुटरा का मैच पहुंच गया है और यहाँ पे एक कॉर्नर मिल गया है। खुटरा की टीम काफी मायूस है क्योंकि 2-0 से अभी आगे चल रही है। ये जबलपुर का टीम है, आप लोग का कैसा लग रहा है? आप लोग मैच जीत के खुटरा का हार रहे हैं, खुटरा का है भाई, आप लोग 2-0 से हार रहे हैं। कोई बात नहीं, हार जीत होते रहता है, फुटबॉल है ये, कोई बात नहीं। कोई आप लोग खुटरा से है ना, क्या क्या कमी रह गई, मतलब 2-0 से पीछे चल रहे हैं? अभी थोड़ा सा बच्चों को और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। अपना होम ग्राउंड है खुटरा का, फिर बाहर से लोग टीम आई है तो फिर क्या फर्क? नेशनल लेवल का टीम है सब, ये हमारा गांव का टीम है। अच्छा, इसीलिए पीछे हो जा रहा है थोड़ा सा, तो मेहनत स्ट्रगल। फिर भी अभी क्या चांस है, कितना मिनट बचा हुआ है अभी है? टाइम कितना बचा हुआ? कुछ बचा हो गया अभी समय, 5-10 मिनट बचा हुआ है। हाँ। तो चढ़ा सकती है क्या खुटरा टीम? हाँ, प्रयास में लगा हुआ है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, दोनों टीम बराबरी का है, हार जीत तो अपने जगह में है, दोनों टीम अच्छा खेल रहा है। देखिए अभी भी टाइम है, खुटरा जो है दो, मतलब 2-0 से है तो लीड ले सकती है और मैच जीत सकती है। और यहाँ पे जो टीम है ये टीम लगता है जीती वाली टीम है। आप लोग कहाँ, जबलपुर से है? क्या लगता है कितना गोल से जीतेंगे और मारेंगे गोल? यस सर, एक गोल और, एक गोल और मारना है। कप लेके जाएंगे क्या यहाँ से? यस सर। हाँ, पूरा नाम बनाना है खुटरा में। तो देखिए बाहर का टीम जो आया है यहाँ से जीत के जा रहा है और लोकल टीम जो है यहाँ पे अभी देखिए अटैक पे अटैक चल रहा है यहाँ पे और लगा बहुत अच्छा पासिंग खेल रही है जो 10 नंबर की टीम है। देखिए कितना अच्छा बॉल गिराया और यहाँ पे स्ट्राइकर जो लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं, यहाँ पे गोल नहीं हो रहा है। और ये देखिए खुटरा जो है लगातार बैकफुट में है और दूसरी टीम जो है चल जा रही है उनके ऊपर, काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है वो लोग, पास पास बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वन टच खेल रहे हैं और लगातार गोल पोस्ट पे टारगेट भी ले रहे हैं। खुटरा की टीम देखिए कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की और यहाँ से गोल बन सकता है। देखिए अच्छा मौका है यहाँ पे, एक गोल मारने का अच्छा मौका है, बहुत अच्छा पास दिया है और यहाँ पे देखिए खुटरा आगे बढ़ रही है लेकिन अभी भी खुटरा 2-0 से हार रही है। आपको बता दूं कि ऑरेंज जर्सी में खुटरा है और व्हाइट जर्सी में जबलपुर की टीम है, 2-0 से आगे चल रही है। अभी पानी बहुत है तो लोग छाता लेके पहुंचे हुए हैं। क्या छोटू, छाता कहाँ है तुम्हारा? भाजन लेके आया। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बता? बोलो खुटरा। नहीं देख रहा, फॉलो नहीं कर रहा है मैच को। तो देखिए दर्शक दूर दूर से आए हुए हैं। क्या क्या लगता है खुटरा 2-0 से क्यों हार रही है? बोलिए भैया क्यों हार रही है? आप लोग मैच देखते हैं, क्या कारण है, हार क्यों रही है? हार का कारण है कि नहीं, तरह कमजोरी कम है, कमजोरी है, दिमाग का भी कम कम है, थोड़ा माइंड भी कम है। तो देखिए लोग एक से एक बात बोल रहे हैं यहाँ पे, खुटरा जो है वो लगातार प्रयास कर रही है लेकिन 2-0 से हार रही है। तो होम क्राउड है, होम क्राउड में यहाँ जो हार रही है, यहाँ होम क्राउड जो है, क्यों खुटरा जो है 2-0 से हार रही है तो अपने होम ग्राउंड में कैसे हार जा रही है? भाई प्रैक्टिस में लोग नहीं है लेकिन जो है अभी सही गेम है, प्रैक्टिस में नहीं है, अचानक जो है ना। जबलपुर कैसा खेल रही है? वो अच्छा टीम है। तो देखिए देखिए फिर से जबलपुर की टीम जो है वो लगातार अटैक पे अटैक कर रही है और अच्छा पास यहाँ से डायरेक्ट गोल पोस्ट में, गोल हो सकता है, तीसरा गोल नहीं, गोल नहीं हुआ, दो गोल हो चुका है और गोलकीपर खुटरा काफी अच्छा है लेकिन दो गोल खा चुके हैं। अब मैच जो है 2-0 करना, वापस करना, वापस चढ़ाना, तो यहाँ के लोग मान चुके हैं ये खुटरा जो है 2-0 से मैच हार रही है लेकिन अभी भी प्रयास जारी है। आप देख सकते हैं उनके प्लेयर जो है लगातार दौड़ रहे हैं और जबलपुर की टीम जो है पास पास खेल रही है, जहां दे रहे हैं पास उनके वहीं प्लेयर नजर आ रहे हैं। यहां ऑफ साइड का इशारा दिया है रेफरी ने और एक तरफ आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड, अभी भीड़ कम इसलिए लग रहा है क्योंकि बारिश हो रही है लेकिन बहुत लोग जो है वो छाता लेके आए हैं, बहुत लोग चेहरा छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं यहाँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलिए।
आगे चलिए। क्या चाचा ये क्यों खुटरा आपके क्यों हार जा रहा है यहाँ? कमजोरी से 2-0 से हार जा रहा है खुटरा। तो कमजोरी से जैसा जो खेलेगा वही नहीं जीतेगा। आप खेलते थे अपने टाइम में? नहीं नहीं हम लोग मैदान में खेलते हैं। दर्शक रहे हैं हमेशा। हाँ। जीत रहा है जो बढ़िया खेल रहा है जीत रहा है। तो जबलपुर का अच्छा प्लेयर कौन है यहाँ पे? 15 नंबर 10 15 13। अच्छा 10 15 13 जी पूरा देख रहे हैं यहाँ के लोग। देखिए पूरा फिर से अटैक कर रही है जबलपुर की टीम। नहीं हुआ। और ये देखिए लगातार जो है खुटरा की टीम के पीछे चढ़े हुए हैं जबलपुर की टीम और लगातार गोल पे गोल मार रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और यही परफॉर्मेंस है कि आज खुटरा जो है 2-0 से पीछे चल रही है। क्या क्या रीजन है कि यहाँ खुटरा की टीम जो है अपने ही ग्राउंड पे 2-0 से हार रही है? टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हो पा रहा खुटरा का, इसलिए खुटरा 2-0 से पीछे रह रही है। अभी गेम अच्छा खेल रही है। आप नहीं ग्राउंड है इनका तो क्यों हार जा रही है फिर? प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, बाहर से टीम आके हरा दे रहा है। तो कंबाइंड टीम है अच्छा खेल रही है, प्रैक्टिस कर रही है। तो क्या लगता है जबलपुर चैंपियन हो जाएगा क्या यहाँ? चैंपियन लग तो रही है कि फाइनल पहुंचेगी। फाइनल पहुंचेगी। आप कोई टीम से खेल रहे हैं? हम हार चुके हैं 2-0 से। कौन टीम से थे आप? HFC हजारीबाग फुटबॉल एकेडमी। अच्छा फुटबॉल एकेडमी, किससे हारे? हम हार रहे थे किसका नाम? केरला। केरला से हार गए। केरला का टीम भी आया है। तो देखिए ग्राउंड गीला है, क्या है गीला है तो खेलने में प्रॉब्लम हो रहा है, खिलाड़ी को प्रॉब्लम हो रहा है, स्लिप कर जा रहा है, पैर स्लिप कर जा रहा है। काफी अच्छा बॉल फ्रेश नहीं डाल पा रहे हैं पानी की वजह से। तो देखिए अभी फिर से जबलपुर की टीम जो है लगातार अटैक कर रही है और अच्छा पास, अच्छा मौका, तीसरा गोल शायद हो सकता है यहाँ से। आप देखिए किस तरह से अच्छा सेव यहाँ पे खुटरा के गोलकीपर ने, एक गोल और बचा लिया। आप कहते हैं तीसरा गोल एकदम निश्चित था लेकिन बहुत अच्छा सेव किया है गोलकीपर ने। और यही देखिए माहौल जो है खुटरा में वो ऐसा रहता है फुटबॉल का कि गेम काफी अच्छा होता है, दोनों गेम, चाहे कोई टीम हार रही है चाहे जीत रही है, जो खेल है वो लाजवाब रहता है। और यहाँ से आप देखिए मैच के कुछ अंश जो अब खत्म होने वाला है, आप खुटरा का मैच और देखिए और जबलपुर का मैच है। ये कॉर्नर किक मिला है जबलपुर को, कॉर्नर किक बहुत डेंजरस होता है और यही कॉर्नर किक के कारण जो है गोल होता है। देखिए ये गोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, स्कोर आपको बता दूंगी। खुटरा अपने ही ग्राउंड में अच्छा किक मारा है यहाँ पे लेकिन नहीं, गोल का कोई चांस नहीं बना यहाँ पे। अभी भी बॉल जो है उसी के डी लाइन के एरिया में है, अच्छा लंबा शॉट मारा है और ये आउट हो गया बॉल। तो इस तरह से खुटरा की टीम जो है वो 2-0 से अभी हार रही है और लोग अभी भी छाता लेकर यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हैं और बहुत उम्मीद के साथ लोग आए थे कि मैच जो है वो खुटरा, क्या रीज़न है खुटरा का है 2-0 से हार जा रही है? ये? खुटरा 2-0 से कहा आ रही है, रिहर्सल नहीं कर पाता इन लोग ना, रिहर्सल प्रैक्टिस ठीक नहीं, प्रैक्टिस नहीं करता है, बस जहाँ मैच होता है अचानक चला जाता है। तो वैसे कहाँ से होगा, जबलपुर ठीक खेल रहा है, जबलपुर तो मस्त खेल रहा है, कल ही से खेल रहा है। क्या लगता है चैंपियन हो जाएगा? लग तो रहा है। देखिए आप खेलते थे अपने टाइम में? नहीं खेलते थे। तो देखिए जो खुटरा में जबरदस्त माहौल है, बारिश में भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पूरा भींग भींग के आप लोग मैच देख रहे हैं एकदम। हाँ देख रहे हैं। ये देखिए लाइट भी जल गया है यहाँ पे, तो नाइट मैच का भी लोग यहाँ पे आनंद लेंगे। अब जो है मैच फ्लड लाइट के अंदर होगा और मैच में पूरा लाइट जल चुका है और देख सकते हैं विजिबिलिटी कम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, बारिश भी हो रही है, लेकिन अब जो है हैलोजन लाइट जल चुका है और इस लाइट के अंदर मैच जब होगा तो उसका आनंद भी लीजिए और मजा आएगा। ये देखिए लगातार अटैक करने की कोशिश कर रही है खुटरा की, एक गोल कहीं से निकल के आ जाए लेकिन नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस है जबलपुर का, तालमेल के साथ खेल रहे हैं, पासिंग खेल रहे हैं, छोटा पास खेल रहे हैं और लगातार जो है वो अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। खुटरा की टीम जो है 2 गोल खा चुकी है तो बिल्कुल एक तरह से मनोबल जो है वो टूट चुका है और जिसकी वजह से वो अपना परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जबलपुर की टीम 2 गोल से जीती हुई है और जीतने के कारण उनका जो मनोबल बहुत ऊंचा है और लगातार अटैक करके एक गोल और मारना चाह रहे हैं। तो देखिए किस तरह से एक और किक लिया है गोल पे, गोल हो सकता है यहाँ पे लेकिन नहीं, बहुत अच्छा गोलकीपर जो है खुटरा के काफी अच्छा है लेकिन 2 गोल किसी तरह से खाए हैं। अब ये देखिए खुटरा लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं बढ़ पा रही है। जबलपुर की जो डिफेंस है वो भी काफी अच्छी है, 4-3-4-3-4-3-2 का कॉम्बिनेशन बना के खेल रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो डिफेंस में लगातार 4 प्लेयर हैं, लेफ्ट बैक, राइट बैक, सेंटर बैक में 2 हैं, तो मतलब
चार बैक लेके खेल रहे हैं, तीन मिडफील्ड में हैं और तीन जो हैं स्ट्राइकर में खेल रहे हैं। तो ये कम्बिनेशन 4-3-3 का और बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है और ये खुटरा को एक मौका मिल सकता है यहाँ पे, गोल पे गिरा देंगे यहाँ पे। देखिए अच्छा शॉट मारा है, अच्छा पास यहाँ पे, लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं जबलपुर और जिसके वजह से गोल नहीं हो पा रहा है। ये देखिए एक और मौका यहाँ पे मिल सकता है, अब तीन नंबर के पास बॉल है और वो भी काफ़ी फुर्तीले हैं। तो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाया है यहाँ पे खुटरा के खिलाड़ी, मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिल रही है और लगातार जो है जबलपुर की टीम खुटरा से आगे निकलती जा रही है, बस जीत के कुछ ही मिनट दूर हैं। खुटरा को देखिए एक कॉर्नर से अच्छा मौका मिल सकता है, इस कॉर्नर से गोल होने की संभावना बन रही है, गोल पोस्ट बहुत नज़दीक है, देखिए क्या होता है यहाँ पे। ये देखिए किस तरह से लगातार जो है प्रयास कर रही है खुटरा की टीम कहीं से एक गोल निकल जाए, लेकिन वाइट जर्सी में जो है टीम जबलपुर देखिए बॉल को लेके गोल पोस्ट में मारने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं, डी एरिया में ले जा रहे हैं और काफ़ी खतरनाक जो पोजीशन बना रहे हैं। अब फिर से बॉल खुटरा के पास, खुटरा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, फॉल का इशारा यहाँ पे रेफरी ने दिया और यहाँ पे देखिए झगड़ा हो रहा है। यहाँ पे मैं कैमरा मैन को जूम करके दिखाएं किस तरह से देखिए आपस में लड़ जा रहे हैं फुटबॉल खिलाड़ी और ये होते रहता है मैच में, छोटे मोटे बड़े बड़े मैच में आप देखते हैं कि किस तरह से फॉल के वजह से देखिए यहाँ पे झगड़ा हुआ है। रेफरी बीच में आएंगे, कुछ येलो कार्ड रेड कार्ड जो है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये हाँ, तो ये किस तरह से आप देखिए, हाँ ये देखिए पूरा पब्लिक जो है वहाँ पे जुट जा रही है। हाँ देखिए पब्लिक जो है वहाँ पे, जूम कम करो, हाँ जूम कम करो। तो यहाँ पे देखिए मैच के बीच में जो है वो लड़ाई हो गया है और अक्सर आप फुटबॉल मैच में ऐसा देखते हैं यहाँ पे किस तरह से जो क्राउड जो है वो आ रही है और यहाँ पे आपस में जो है फुटबॉल खिलाड़ी जो है वो बैसा बैसी कर रहे, बम फोड़ा जा रहा है और मैच का आनंद ले रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से जबलपुर की टीम और खुटरा के बीच में थोड़ा बहुत बैसा बैसी हो गई है और वहाँ पे रेफरी जो है बीच में आ गए हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना करें, मैच है, मैच में माहौल मैच की तरह खेलें। और ये देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ किस तरह से बैसा बैसी यहाँ पे हो रहा है और मैच जो है यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रोक दिया गया है। आप देखिए रेफरी को बीच में आना पड़ा, आप किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरी बीच में आ गई है। ये देखिए मैच के बीच में जो बैसा बैसी हो गए, यहाँ पे दो प्लेयर जो है आपस में लड़ रहे हैं, बाहर के लोग जो है वो आए हैं। क्या हो गया चाचा, कहे तो आए होंगे यहाँ पे? अरे लड़का बाहर कर दिया है। बाहर कर दिया? हाँ बाहर कर दिया। अच्छा खेल तो बढ़िया हो रहा है लेकिन जबलपुर मार दिया दो गोल। हाँ लड़ाई कहे हो गया यहाँ पे? लड़ाई हो गया यहाँ के उसी। देखिए मैच जो है खुटरा का और जबलपुर का जबरदस्त मैच चल रहा है लेकिन खुटरा 2-0 से यहाँ पे हार रही है। आप देखिए खिलाड़ी में ऐसा होता है, ऐसा बात नहीं, खिलाड़ी में ऐसा होता है, धक्का लुक्की होता है, ऐसा कोई बात नहीं, बड़ा बहुत ही सब बहुत अच्छा होता है। अब कोई बात रहा कि मारा मारी ऐसा नहीं होना है, बहुत हर जगह होता है, गलत है, नहीं उतना चलेगा तो मजा नहीं आएगा। ये तो सरासर गलत है, मजा ले रहे हैं। तो ये देखिए अब जो है लगातार खुटरा की टीम जो है वो आगे बढ़ रही है और हो सकता है कि एक गोल खुटरा यहाँ पे मार के मैच में कम से कम थोड़ा इज्जत बचा है क्योंकि अभी 2-0 से हार रही है। अच्छा शॉट यहाँ पे, यह गोल हो सकता है और ये बहुत अच्छा चांस था। क्या लगता है क्यों हार रही है खुटरा? हार रही है, अपना हर से जल्दबाजी इन लोग कर रहे हैं। जल्दबाजी कर रहे हैं जी? प्रैक्टिस सही नहीं की है क्या? नहीं की। जबलपुर कैसा खेल रहा है? तो अच्छा खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है, हो सकता है ये फाइनल लेके जाए। हाँ जी। तो देखिए अब जो है कुछ ही क्षण बचे हुए हैं पहला हाफ खत्म होने में, कुछ ही क्षण बचे हैं और
देख सकते हैं आप किस तरह से जबलपुर की टीम जो है लगातार जो है अटैक कर रही है और एक अच्छा गेम खेल रही है, अच्छा पास दे रही है, अपने प्लेयर को पास दे रही है, अच्छा कॉम्बिनेशन बना रही है, राइट विंग लेफ्ट विंग सब एक्टिव है। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबा लंबा बॉल खिला रहे हैं। ये देखिए बहुत जबरदस्त पास, एंड मौका पे जो है वो स्लिप कर गए, बारिश बहुत तेज हो रही है जिसकी वजह से वहां स्ट्राइकर स्लिप कर गए, तो ये 100% गोल हो जाता है अभी यहाँ पे। अब ये देखिए खुटरा की टीम जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, पूरा दम लगाएगी तो शायद ये गोल हो जाएगा, और ये दूर से भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा पास दिया यहाँ पे, आगे बढ़ रही खुटरा की टीम, एक गोल शायद हो जाएगा। अब ये देखिए बहुत जबरदस्त खुटरा की टीम खेल रही है, यहाँ पे गोल होना चाहिए, तो चांस तो पूरा बना रही है खुटरा। यहाँ पे एक गोल अगर हो जाएगा तो फिर दूसरा गोल बहुत आसान हो जाता है मारना, लेकिन पहला गोल के लिए ही तलाश रही है खुटरा। आप देखिए पूरा जो जोश है अभी ग्राउंड पे वो दिख नहीं रहा है। हाँ ये आप देख सकते हैं फ्लड लाइट चारों तरफ से लग गया है और अंधेरा लाइट में मैच विजिबिलिटी कम थी, लेकिन अब लाइट जला दिया गया है तो विजिबिलिटी पूरी यहां पे है, और नाइट मैच का हजारीबाग में आनंद लेना फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े शहरों में तो हम लोगों ने कहीं कभी देखा, लेकिन गाँव में खुटरा में ऐसा होना एक इतिहास जैसा है यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए अच्छा बॉल यहाँ पे दिया है, गोलकीपर को भी काफी परेशानी हो रही है बारिश की वजह से, बॉल हाथ से छटक जा रहा है बार बार, लेकिन गोलकीपिंग काफी अच्छा किया है, काफी गोल सेव किया आज गोलकीपर ने। खुटरा को एक अच्छा मौका यहाँ पे मिल सकता है, अच्छा बॉल खिलाया है यहाँ पे, गोलकीपर काफी सतर्क है जबलपुर के और रोक ले रहे हैं बार बार बॉल। और फिर देखिए उसके बाद ये देखिए लगातार जो है खुटरा की टीम मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है और अंत में शायद एक आध गोल निकल जाए, पूरी कोशिश में है। ये देखिए आपको बता दूं कि व्हाइट जर्सी में जो है वो जबलपुर एफसी की टीम है और ऑरेंज में जो सिंगलेट पहने हुई है खुटरा की टीम है, दोनों का जर्सी व्हाइट हो गया था इसीलिए उनको ऑरेंज जर्सी प्रोवाइड किया गया। और आपको बता दूं कि 2-0 से खुटरा की टीम हार रही है, ऑरेंज जर्सी वाली टीम हार रही है और जो व्हाइट जर्सी में है वो टीम जीत रही है। ज्यादातर मैच जो है आप देख सकते हैं जब भी जबलपुर के पास बॉल होता है तो वो लोग अच्छा पास खेलते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं और स्ट्राइक कोशिश करने को करते हैं, लेकिन देखिए और ये अच्छा मौका बन सकता था लेकिन यहाँ पे गोल नहीं हुआ। एक अच्छा प्रयास है लास्ट टाइम में, खुटरा की टीम जो है वो काफी अच्छा प्रयास कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है कि गोल हो जाए, लेकिन गोल नहीं हो पा रहा है। आप देखिए अब जो मैच का एकदम आखिरी क्षण है, आखिरी क्षण अभी भी 1-2 मिनट में कुछ भी पलट सकता है, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है और ये आखिरी मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए फिर से देखिए जबलपुर के पास है, अच्छा बॉल बनाया, 13 नंबर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गोलकीपर के हाथ में बॉल है और गोलकीपर ने अच्छा शॉट मारा यहाँ पे। फिर से देखिए खुटरा की टीम कोशिश तो पूरी कर रही है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, लगातार कोशिश कर रही है अपने होम ग्राउंड में, दर्शकों को दिखाना चाहती है वो जीत के, लेकिन और ये देखिए खुटरा की टीम फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे कुछ गोल बन सकता है लेकिन नहीं, डिफेंस जो है जबलपुर का वो भी काफी अच्छा है। ये देखिए फिर 13 नंबर जो है वो काफी अच्छा खेल रहे हैं, एक राइट आउट से जो निकल के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो जबरदस्त बना रहे हैं, भाग के पास भी ले रहे हैं, जबरदस्त ले रहे हैं, तो ये एक अच्छा हैंड बॉल का इशारा यहाँ पे रेफरी के द्वारा और ये फ्री किक मिल सकता है। और नजदीक में देखिए छोटा छोटा पास खेल के आगे बढ़ रहे हैं जबलपुर की टीम और लगातार जो है कॉम्बिनेशन से खेल रहे हैं, यहाँ पे एक गोल और हो सकता है, नहीं, लेकिन ये देखिए अच्छा डिफेंस किया खुटरा ने। फिर जो बॉल आप देख सकते हैं पोजीशन जो है लगातार जबलपुर के पास रह रहा है, वो अच्छा कॉम्बिनेशन खेल रहे हैं, छोटा छोटा पास खेल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं और उसके बाद फिर गोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कॉर्नर से माइनस करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे बन सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ भी अच्छा पास दिमाग लगाया और फिर 7 नंबर को दिया, 7 नंबर से 13 नंबर के पास आ गया जो अच्छा प्लेयर थे, और ये गोलपोस्ट में शूट लिया, लेकिन अच्छा डिफेंस किया खुटरा ने यहाँ पे। और इसी के साथ जो है मैच जो यहाँ पे समाप्त हो गया है और आप देख सकते हैं खुटरा का जो मैच और जबलपुर का मैच वो 2-0 से
हार गई है खुटरा अपने ही होम ग्राउंड में, और हम लोग जानेंगे उनसे बात करेंगे, जो रेफरी से जानेंगे कि क्या रहा गोल का स्कोर, किसने मारा स्कोर, किसने किया, उनसे हम लोग बात करेंगे। और रात में जो रेफरी मैच करा रहे हैं उसका जो आनंद ले रहे हैं, कैसा रहा मैच, कैसा रहा आज का? आज का मैच बहुत घमासान रहा, बहुत घमासान रहा। जबलपुर ने भयानक खेला, जबलपुर ने बहुत भयानक खेला और होम टीम को जीत कर दिया। अच्छा, जबलपुर का जो मैच था वन टू वन पास बहुत जबरदस्त था, उन लोग का जो अटैकिंग मोमेंट था, मोमेंट भी बहुत अच्छा था, मूव भी बहुत अच्छा बना रहे थे, बस इतना ही। अब बाहर से तो लोग कह रहे हैं कि रेफरी तो बहुत जबरदस्त करा रहे हैं, धन्यवाद लोगों। गोल किसने मारा, गोल कितना नंबर मारा? 14 नंबर कहाँ है? 10 नंबर और 15 नंबर। 15 नंबर कहाँ है? 15 नंबर, 15 नंबर। हाँ इधर देखिए, आपने गोल किया है जी। क्या नाम है आपका? अमित यादव। अमित यादव, क्या बात है, कहाँ रहते हैं आप? जबलपुर। जबलपुर से आए हैं आप, जबलपुर का टीम है, कैसा क्या ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं? हाँ प्रैक्टिस तो होता है, प्रैक्टिस के बिना फुटबॉल कुछ नहीं है। तो सिर्फ फुटबॉल ही खेलते हैं, कुछ और नहीं? पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ ये पैशन है जी। जी कैसा लग रहा है यहाँ खुटरा में, पहले आए हैं खेलने? नहीं नहीं पहली बार। पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है इस गांव में आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ का एनवायरनमेंट, लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। मजा आ रहा है खेलने, फाइनल तक जाइए, हम लोग रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। और एक और 10 नंबर कहाँ है आपके, जो गोल मारा था आप है? क्या नाम है आपका? सूरज राजभर। सूरज, आप यही हजारीबाग के हैं? नहीं नहीं, आप भी बाहर से आए हैं, जबलपुर। कैसा लग रहा है यहाँ खुटरा आके? ऐसे तो बहुत अच्छा है गाँव, बहुत अच्छा लग रहा। और बस इससे आगे तो ये बताइए, अभी तक कितना गोल काउंट करते हैं, कितना गोल मार दिए? एक 4 गोल हो गया हम लोग। नहीं अभी आप कितना गोल मारे हैं अभी तक पूरा करियर में? बता नहीं सकते, बहुत नहीं है, सकते। ऐसे तो मैच में बहुत मारते हैं, गोल मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। चलिए चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको अगला मैच के लिए, ठीक है? हाँ आप राजू 11 का चेहरा एक बार पब्लिक को दिखा। कहाँ है राजू 11? यही तो हम चाह रहे हैं। तो कब है मैच उसका? अभी है, मारो नेजर को दिखाइए सबको, कोई नहीं मालूम किसी को राजू 11 कौन है। राजू 11 टीम नहीं है क्या? कहाँ है? स्पॉन्सर्ड को ढूंढ रही है। अच्छा राजू 11 पूरा फेमस है, उसका चेहरा देखे हैं? नहीं नहीं, अब उसका चेहरा दिखा कर पब्लिक को दिखाइए। आए तब ना राजू, यहाँ कहाँ है? टीम प्रैक्टिस कर रहा है तो देखिए, कम से कम उसका मैच दिखाए। मैच नहीं दिखाइए, कम से कम राजू का चेहरा दिखाइए। राजू 11 कौन है? कौन है? हाँ अच्छा, किसी को मालूम नहीं राजू कौन है, राजू 11 कौन है। हम चाहते हैं राजू 11 को लाइव दिखा दी। हाँ तो मैच दिखाएंगे लाइव ना। आज किसका मैच है गुड्डू जी, किसका मैच है अभी? अभी किसका? अभी मैच है राजू 11 और वर्सेस आरएफसी रिटायर 11। अच्छा तो अभी तक क्या हुआ है 2 दिन के अंदर, ये बताइए। बहुत बहुत यहाँ चेंजिंग हुआ है, दूर से टीमें आए हैं, परफॉर्मेंस अच्छा किए हैं। हम लोग चलते चलते थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि टीम उतरेंगे। अच्छा टीम उतर रहे हैं। हाँ तो और AW स्पोर्ट कलकत्ता आया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके जीत गए हैं। हाँ और उसके बाद कल जो रात में बहुत देर के बाद टीम आए थे, और पोंडा FC वो भी बहुत अच्छी टीम थी, जिसे कुटरा ने 3-0 से जीता था कल मैच रात में। और ज्यादा देर हो जाने के कारण उस मैच को शेड्यूल को थोड़ा सा हम लोग चेंज किए कमेटी। अच्छा। और उसको फिर आज हम लोग लाए हैं, जबकि हर दिन 3 मैच हो रहा था, आज 4 मैच होंगे। अच्छा अभी तक 2 मैच हो चुके हैं और है। हाँ अभी 2 मैच इसके बाद और है। बहुत ये क्या सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल क्या होगा आज? ये अभी क्वार्टर फाइनल होगा, क्वार्टर फाइनल होगा, क्वार्टर फाइनल क्या होगा? कल भी 3 मैच और होंगे, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, 2 सेमी निकलेगा, 2 सेमी में निकलना है सेमीफाइनल के लिए। सेमीफाइनल के लिए और वो 9 तारीख को सब होगा मैच। हाँ फाइनल होगा, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल होगा 9 तारीख को, मतलब कल और परसों। हाँ मतलब कल जो है खत्म हो जाएगा नॉकआउट, नॉकआउट। हाँ उसके बाद जो डिसाइड हो जाएगा सेमीफाइनल और फाइनलिस्ट कौन है। अभी तक के सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन रहे हैं, मतलब अभी तक टूर्नामेंट में? अभी तो अभी एक अभी इससे पहले हजारीबाग एकेडमी और ये एक टीम था रांची का जो खेल रहे थे, वो उसका भी टीम अच्छा है। तनवीर जो टीम लेकर आया है और 3 साल लगातार वो तनवीर यहाँ खेल चुका है, उसका अच्छा टीम है। अच्छा। और उसके बाद देखते हैं अभी क्या रिजल्ट होता है। अभी राजू 11 का भी खिलाड़ी इसमें पहुंचे हैं। अच्छा राजू 11 और कौन टीम है दूसरा? RFC हजारीबाग। RFC हजारीबाग, तो वो कहाँ के हैं? वो भी हजारीबाग का टीम है। राजू 11 खुटरा की टीम है, खुटरा का टीम है। और वो हर साल उसका एक टीम रहता है राजू 11 का, उन फुटबॉल से जुड़े हुए पहले खिलाड़ी भी रह चुके हैं। अच्छा उनका एक जुनून है कि मेरा टीम खेले। कहाँ है राजू कौन है? राजू है यहीं पर है, वो मेरे रिलेटिव में है। अच्छा हाँ और मामा लगते हैं RFC है, उसमें उसमें सुबोधा है, मुसर्रफ हुसैन है, ये सब टीम को बना के मिला के बनाए हैं। अच्छा और बहुत अच्छा है,
और कहीं ना कहीं इससे हजारीबाग जिला को बेनिफिट मिलेगा, सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि इस तरह से खिलाड़ी क्या फुटबॉल को हम लोग ऊपर ला सकते हैं इस तरह से आयोजन से, और अच्छे अच्छे दूर दूर से जो टीमें आ रहे हैं स्किल देखने को मिलेगा। अभी हम जो देख रहे थे जबलपुर की टीम बहुत बेहतरीन खेल रहा था, खुटरा भी टीम अच्छे खेल रहे थे और बॉल चेस्ट से लेके उतार के अपने रिच में बॉल रख रहा था। इससे छोटे छोटे बच्चे को आने वाला सीजन में बहुत ही बेहतरीन उसको स्किल देखने को सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, गुड्डू जी थे यहीं पे रहते हैं खुटरा में, और जो मैच का जो माहौल है वो लाजवाब है, और यहाँ पे ऐसा है कि अब जो मैच होगा वो राजू 11 और आरएफसी का है, तो दोनों हजारीबाग की टीमें हैं, और ये इनका नाम इसलिए इतना है क्योंकि बहुत फेमस है, पहले बहुत खेलते हैं, खुटरा की टीम है ऐसा मानते हैं, और यही सब कारण है जिसके वजह से। हाँ आ रहे हैं, ऑडियंस लोग को भी लेंगे, ठीक है ऑडियंस लोग को भी लेंगे। चलिए आ जाइए। तो हाँ बताइए क्या लगा आज का मैच, जो हार आज का मैच है? आज का मैच बहुत बेटर लगा हमको। हाँ। दोनों खिलाड़ियों से यही है कि जो हमारे 15 नंबर है। हाँ। और उनका जो खेला है। हाँ। वो बहुत लाजवाब था। हाँ। और हमारे जो सिर्फ खेल में यही होना चाहिए भाई चारा के नाते से, तो लेकिन अभी झगड़ा हुआ बीच में, मैं वो गलत था। हाँ, गलत इतना होता है फुटबॉल में होता है। हाँ। बस अपना है कि भाईचारा, अगर हमारे दूसरे जगह आए हुए हैं तो मेहमान है हमारे लिए। हाँ, उनके लिए अच्छा है, बस उनके लिए अच्छा है। थैंक यू सर। तो देखिए कुटरा का जो टीम है वो यहाँ पे हार गई है, तो हाँ क्या है आप लोग सबसे अच्छा आपका जो सबसे बेस्ट फैन जो है ना। हाँ, वो मेरे मिस्टर आरिफ जी है। अच्छा, अब उनसे मुलाकात कर लिएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, टीम जो हार गया है 2-0 से, क्या अब हार जीत तो खेल का नियम है। हाँ, खेल का नियम है हार जीत, बट जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ आए हैं टीम को सपोर्ट करने, जो अच्छा खेलता है हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक अभी राजू खुटरा का टीम हारने का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा अच्छा बात है उसका कि कोई भी बोरो प्लेयर वो लेके नहीं आया था। अच्छा। वो खुद का अपना मोहल्ला का जो टीम है, अपना होम ग्राउंड का टीम से जितना जूनियर लड़का लोग था बस उन्हीं लोगों के साथ खेला, ना कि बाहरी टीम, कोई भी एक भी बिहार प्लेयर लेके नहीं आया था। सबसे तो लाना अच्छा बात है ना, मतलब अच्छा भैया कोई भी बाहर का खिलाड़ी नहीं था। पहला मैच भी तो जीता अभी, कल जो रात में मैच हुआ था खुटरा का उसमें 4 गोल मारा था वो लोग जीता। आज जीत हार तो फाइनल, कल मैच और आज मैच जो है, कल का मैच क्या फर्क था? कल 4 गोल मार दिया, आज 2 गोल से। देखिए दोनों आज जो टीम, एक मिनट, आज जो दोनों टीम आज जो खेला था दोनों टॉप टीम था। अच्छा। दोनों एक एक मैच जीत के उसके बाद ऊपर आया था। अच्छा। तो ऑब्वियसली दोनों टीम अच्छा था, तो एक तो को तो हारना ही था सर, खेल जीत के ऐसा तो नहीं, हर जीत तो होता ही है। अच्छा हुआ ना, नो डाउट मैच अच्छा। अब जो मैच है राजू 11 का उसको हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे और राजू 11 जीतेगा आज मैच को। राजू 11 को ही देखने के लिए आए हैं, दूर से आए हैं, राजू 11 को ही देखने के लिए आए। कौन है भाई राजू 11, जरा हम लोग भी देखेंगे। ये मैच स्टार्ट होगा, हम लोग बाहर चले जाएंगे लाइन से बाहर। ये राजू 11 कौन है? बहुत नाम सुन रहे हैं, खुटरे के रहने वाले हैं। उसका एक क्लब चलता है। अच्छा, अपना क्लब चलता है। तो राजू 11 का देखिए बहुत नाम तूने, कहाँ है मैच? इधर है क्या? उधर है राजू 11। इधर दूसरा टीम जो हारा है उससे लेते हैं जरा। हाँ, जीता हुआ टीम है। हाँ, जोहार जोहार। अब तो क्या आप लोग मैच देख रहे थे? देख रहे। तो जो खुटरा 2-0 से हार गया क्या कहेंगे इस पे? खुटरा 2-0 से हारा, ये जबलपुर वाला बहुत भारी पड़ रहा था। बहुत भारी पड़ रहा। आप अपने टाइम में फुटबॉल खेलते हैं? खेलते हैं। कहाँ, कौन टीम से खेलते हैं? खेलते टीम है हम लोग का, ढेंगुरा का टीम है। अच्छा, सुल्तान टीम है। पार्टिसिपेट नहीं किए यहाँ पे? नहीं किए। फीस ज्यादा हम लोग का टीम का लड़का, कहीं फी का टेंशन नहीं था, अकेले भर सकते थे। अच्छा, तो मतलब प्लेयर लोग नहीं था यहाँ? प्लेयर लोग नहीं था, सब अपना अपना बिजी है, खेती में है, कोई बाहर में है, इसीलिए नहीं पहुँच पाए हम लोग। हाँ सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि प्लेयर फुटबॉल एक आदमी से नहीं होता है ना, 11 प्लेयर चाहिए फुटबॉल में। तो ये देखिए जो विनिंग टीम है, अब जो है इनका मैच कल होगा, कल जो यहाँ पे मैच होगा, आप देखिए जीतने के बाद जो है इनका माहौल कैसा है। यहाँ पे 10 नंबर और 15 नंबर ने गोल जो मारा था वो हम लोगों ने दिखाया। एक मिनट भैया। तो यही देखिए टीम है जो अब कपड़ा अपना चेंज कर रही है, अब उसके बाद कल इनका मैच होगा। आज जो इनका परफॉर्मेंस रहा है वो लाजवाब रहा है,
और ऐसा मैच जो है वो लोग देखने के लिए इंतजार रहते हैं। तो खुटरा जो ऐसा ग्राउंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट जल चुका है और लोग जो है यहाँ पे छाता ले लेके मैच देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे बच्चे बूढ़े नौजवान हर तरह के लोग यहाँ पे आए हैं मैच देखने के लिए, दूसरा मैच का वेट कर रहे हैं। इधर आइए। अरे कहाँ भागते हैं जी? हाँ कहाँ से आए हैं? गदोखर से। गदोखर से? आप अपना टीम नहीं लाए? नहीं लाए अभी, टीम तैयार नहीं हुआ। टीम तैयार नहीं हुआ है? क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। फुटबॉल भी खेलते हैं? अगला साल आइएगा ना। हाँ आएंगे। तो देखिए फुटबॉल खेलते हैं, अगला साल आने का जो है वो ट्राई कर। कहाँ है? आप बताइए, खुटरा टीम जो 2-0 से हार गया, इसमें क्या कहेंगे आप? बताइए। कुछ नहीं, बहुत बेहतरीन खेला है। अगर अगला टीम जो बेहतरीन था उसके विरुद्ध बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इन लोग, बिना प्रैक्टिस के बहुत अच्छा, जो गेम प्लानिंग के साथ, जो कोच के साथ जो खेला जाता है, उन लोग कोचिंग वाला टीम था उसके साथ भी अगर बेहतरीन खेला है तो बहुत बढ़िया बात है। और आगे जो टीम आने वाला अभी खेलने वाला है वो तो बढ़िया टीम है दोनों, अब देखिए उसमें किसका परिणाम। राजू इलेवन को सब सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, जरूरी नहीं, आरएफसी टीम भी जो है उसमें भी स्टार खिलाड़ी लोग है। अच्छा। दो चार, एक मुशर्रफ का लड़का है फैज जो है, और बिशुनगढ़ का एक लड़का है जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में खेलेगा। उन लोग भी आप अपने टाइम में खेलते थे फुटबॉल? जी जी। कैसा मतलब? बैकी, बैकी, बैकी से, बैक से, फुल बैक से। तो क्या था उस टाइम में, ऐसा माहौल होता था नाइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था उस टाइम में। नहीं, हम लोग रात का मैच कोई नहीं खेले हैं। नहीं खेले हैं? हाँ, लेकिन करजन ग्राउंड में भी खेले हैं हम लोग मैच। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ का माहौल अलग रहता है। हाँ, खुटरा ग्राउंड में इसमें भी खेले हैं। हाँ। और अपना हम लोग का डुकरा तरफ जो उधर का ग्राउंड था उसमें खेलते थे, उधर बहिमर कटकम सांडी और उधर जलमा उलमा तरफ सब। बिल्कुल। हाँ हाँ, यही है। देखिए अभी ग्राउंड के दूसरे छोर में हम लोग आए, तो कितना देर में मैच शुरू होगा ये वाला? 5 मिनट में। तो हम लोग अब इंतजार करेंगे 5 मिनट मैच, जब तक मैच शुरू नहीं हुआ है यहाँ के लोगों से हम लोग बात करेंगे और दिखाएंगे आपको। ए, तुम लोग खेलता है फुटबॉल? कहाँ खेलता है? स्कूल जाता है? स्कूल? कौन स्कूल जाता है? रोनाल्डो को जानता है? रोनाल्डो को? कौन है रोनाल्डो? रोनाल्डो बड़ा प्लेयर है। प्लेयर है? कहाँ का प्लेयर है? दुबई का। बोलता नहीं। मेसी को जानता है? मेसी को? कौन है? मेसी प्लेयर है बड़ा। कहाँ का प्लेयर है? तो देखिए बच्चा लोग यहाँ रोनाल्डो मेसी को नहीं जानते हैं, और काफी लोग हैं यहाँ। तो छाता की जगह भाई साहब हेलमेट ही लगा के आ गए हैं। कब से आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? लगभग 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। कैसा लग रहा है मैच यहाँ देखने? बहुत अच्छा लगता है। हम इंतजार करते हैं साल भर में कि खुटरा मैच हो। साल भर में जो हर साल आते हैं? हर साल आते हैं हम देखने के लिए। तो कैसा, कौन है बेस्ट प्लेयर, बेस्ट टीम कौन है आपका? देखिए सबसे अच्छा राजू टीम का हाईलाइट है। हाँ। उससे अच्छा बढ़िया भी टीम नहीं है। देखिए अब जो उतर रहा है अभी वो। अच्छा उतर रहा है वो अच्छा लगा। कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा दिखाए राजू इलेवन की टीम जो है अब उतर रही है यहाँ से। तो यही राजू इलेवन का बहुत नाम था। और देखिए जर्सी पहन के कौन है? एएफसी है? आरएफसी? एएफसी हजारीबाग। अच्छा आरएफसी हजारीबाग, और व्हाइट जर्सी में कौन है? आरएफसी हजारीबाग की टीम उतर गई। राजू इलेवन की टीम देखिए वहाँ पीली जर्सी में खड़े हुए है, उतरने का तैयार कर रही है, उतरने का इंतजार कर रही है। तो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा आप मैच देख रहे हैं खुटरा में, बताइए क्या है माहौल यहाँ? माहौल बहुत अच्छा है। बहुत आप तो खुद फुटबॉलर रहे हैं। जी जी। तो ये बताइए शुरू से आप यहाँ आ रहे हैं कि मतलब? नहीं, शुरू से आ रहे हैं, जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है उस समय से अभी तक हम रेगुलर हैं। जब से शुरू हुआ है तो यहाँ इन लोग का जो मैनेजमेंट है वो ठीक है, बहुत अच्छा है और सराहनीय है। कौन जीतेगा इधर राजू इलेवन में और इसमें कौन सपोर्ट कर रहे हैं? तो हमको लगता है राजू इलेवन। राजू इलेवन इससे तगड़ा कोई टीम नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। आज देखिए राजू इलेवन का मैच हम लोग देखेंगे और दिखाएंगे, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि राजू इलेवन से तगड़ा कोई टीम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यहाँ के क्राउड जो है। क्या लगता है राजू इलेवन जीतेगा कि? हाँ, तो पूरा मेहनत करते हैं तुम्हारे पापा है ना? पूरा पूरा राजू और अभी अभी लगता है इसके साथ पूरा सपोर्टर जो है पूरा राजू इलेवन को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं।
तो देखिए राजू इलेवन का इतना समर्थन, कौन जीतेगा क्या लगता है? राजू इलेवन जीतेगा। राजू इलेवन का मैच दिखाना पड़ेगा। बहुत लोग सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। राजू इलेवन कर रहा है और एक से एक लोग यहाँ पे बैठे। आरएफसी हजारीबाग, क्या लगता है आरएफसी जीतेगा? नहीं, राजू इलेवन जी भैया। देखिए राजू एक यूनिक चीज आया है। यूनिक चीज वो उधर है, क्या है? जोकर एक ले आया है। दिखाएंगे बाद में, हम लोग दिख लिया गाँव में ऐसा जोकर आया है, बहुत यूनिक है। लगता है हमको, लगता है साल भर से उसका इंतजार था, वो इस बार पहुंचा है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से अब दूसरे छोर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे राजू इलेवन आरएफसी का जो मैच है कुछ ही क्षण में इंतजार। मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाए जो है, अब वो टीम जो है सज रही है, वार्म अप कर रही है, कुछ ही क्षण में जो है स्टार्ट होगा। हाँ, कहाँ हजारीबाग? आरएफसी हजारीबाग जीतेगा। सब बोल रहा राजू इलेवन जीतेगा। क्या लगता आरएफसी जीतेगा? जो बढ़िया खेलेगा वो जीतेगा। खेलेगा दोनों खुटरा ही का है। दोनों खुटरा का है। दोनों खुटरा हजारीबाग जीतेगा। हजारीबाग आरएफसी हजारीबाग। सर देखिए, जो बढ़िया खेलेगा सर वही जीतेगा। जो बढ़िया सपोर्ट लगता है सर हजारीबाग का सपोर्ट कर रहे हैं। राजू इलेवन जीतेगा। खुटरा कर रहे हैं राजू इलेवन में अच्छा प्लेयर कौन है जानते हैं? अच्छा है राहुल कुमार यादव। क्या बात है, राहुल कुमार यादव का नाम पूरा हो रहा है यहाँ पे। लगता है जीतेगा वही, आरएफसी जीतेगा। राहुल गोल मारेगा। राहुल गोल मारेगा तो राहुल बोल रहा है गोलकीपर है। एक और राहुल है। राहुल नाम तो सुना होगा हर जगह। राहुल हसन और शुभम, ये तीनों गोल मार सकता है आरएफसी से। आप लगता है फुटबॉल खेलते हैं? हम टीम के ही साथ है। टीम के ही साथ है, तब तो पूरा पता होगा इनको। अच्छा, तब तो पूरा पता है। क्या लगता है राजू की आरएफसी? कंसार जीतेगा। कंसार जीतेगा, ये देखिए। क्या लगता है चाचा, राजू इलेवन की आरएफसी? हम लोग आरएफसी का मेंबर हैं। अच्छा, आप मेंबर हैं। टीम हमारी खेल रही है राजू इलेवन के साथ, और हम चाहते हैं कि दोनों टीम अच्छे से खेले। उसकी प्रमाण है कि जो भी जीते कोई बात नहीं, खेल अच्छी होनी चाहिए, मैच अच्छा होना चाहिए। हमारे गांव का जो खुटरा हम लोग आए हुए हैं, तो खुटरा गांव से लगने चाहिए कि हाँ खुटरा के गांव भी अच्छे हैं और गेम अच्छे कराते हैं। इसलिए आरएफसी और दोनों टीम का अच्छे गेम होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए खुटरा के आरएफसी और राजू इलेवन जो दोनों हैं, टक्कर दोनों के बीच में है। क्या लगता है कौन जीतेगा? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? राजू इलेवन का सपोर्टर बहुत है। क्या लगता है चाचा, राजू इलेवन की? नहीं, हम लोग तो सोच रहे हैं कि हम लोग का टीम जीते, लेकिन हम लोग का टीम खुटरा हार गया। अब रह गया कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। सपोर्ट कर रहे हैं ये तो खुटरा खेलना चाहिए। मेरा फेवरेट टीम है मेरा भाई का टीम। कौन टीम है? राजू वैज है। नहीं, राजू इलेवन क्यों रहेगा हमारा? नहीं, राजू इलेवन आरएफसी। देखिए बता रहे हैं, तो अब बस कुछ क्षण में प्लेयर रेडी हो रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पे मजा भी ले रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं। क्या लगता है आरएफसी जीतेगा कि राजू इलेवन जीतेगा? राजू इलेवन जीतेगा। चाहे कौन अच्छा प्लेयर है उसका, देखिए खेला के साथ पता चलेगा कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। मगर देखिए पूरा मजा ले रहे हैं यहाँ पे लोग, अमरूद खा रहे हैं, कोई मक्का खा रहे हैं, और यही खासियत है खुटरा में मैच का जो आनंद लेते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं। क्या लगता है, आंख अच्छा लग रहा है मैच देखने में? बहुत बढ़िया खेला है। काला चश्मा जो है वो पहन लीजिए, है ना। तो देखिए अभी कंजंक्टिवाइटिस चला हुआ है, तो लोग जो है काला चश्मा पहन कर। कौन जीतेगा? ये एफसी। आरएफसी? हाँ, आरएफसी जीतेगा। तो देखिए लोग जो बता रहे हैं आरएफसी जीतेगा। क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए दोनों टीम ही बहुत तगड़ा टीम है दोनों। कह नहीं सकते, अभी गेम देखने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। तो जो लगातार है वो यहाँ पे बोल रहे हैं। हाँ, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साने अहमद। तो बोलते हैं राजू इलेवन का फाउंडर है, राजू इलेवन का पापा है। अच्छा, तो मतलब हम एयरपोर्ट अथॉरिटी की फुटबॉल टीम का प्लेयर है। आप भी खेल चुके हैं? हम भी खेल चुके हैं, अभी भी खेलते हैं। तो राजू इलेवन का इतना नाम यहाँ का है? राजू इलेवन का टीम एक नंबर का टीम है। साल भर प्रैक्टिस करता है, और अभी वही जीतेगा। एकदम पक्का देख लीजिए, राजू इलेवन के फाउंडर लोग बोल रहे हैं। गोल मार दे, वो चार गोल मारे, मतलब मैच में मजा आएगा। एकदम पक्का इंटरेस्टिंग मैच।
हमको लगता है फाइनल में यही किंग रहेगा। फाइनल में किंग रहेगा। जबलपुर बहुत अच्छा खेल रहा है। नहीं नहीं सब फलप, ये सब फलप कर जाएगा राजू इलेवन का। अच्छा राजू इलेवन का बहनों है उसका, तो क्या बोल रहे हैं राजू इलेवन सब बोल रहे हार जाएगा। ना ना जीत जाएगा, बढ़िया टीम है, हाँ स्टेट लेवल का टीम है, खेलेगा। चलिए देखते हैं राजू इलेवन का खेल भी हम लोग देख लेंगे। और ये जो लगातार है यहाँ पे, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए भैया हम लोग 30 से 40 किलोमीटर का दूरी से आते हैं, से हम लोग इचाक देवकुली से, देवकुली से आए हुए हैं। भैया देखिए देवकुली से भी मैच देखने आ गए हैं कुटरा में यहाँ पे। और हम लोग करीबन डेली डेली आते हैं, जब से यहाँ का कमेटी मैच करवा रही है डेली है, 4 साल से आते हैं और यहाँ का मैच हम लोग आनंद लेकर के ही जाते हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा? हम जीतिए जीतिए। तो अब लगातार हम लोग पहुंच गए हैं दूसरे छोर में और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि मैच कुछ ही क्षण में बस शुरू हो जाए। और राजू इलेवन, हाँ क्या लगता है आज? ये देखिए जेवियर के बहुत पुराने प्लेयर हैं, यहाँ बहुत अच्छा खेलते थे, इधर दिखाइए, बहुत अच्छा है स्ट्राइकर, बहुत गोल मारते थे, लेकिन आज के लिए देखना नहीं चाह रहे हैं। क्या लगता है, फुटबॉल छोड़ चुके हैं कि खेलते हैं अभी? नहीं, नहीं खेलते, नहीं खेलते हैं। देखिए बहुत कम उम्र में बहुत लोकप्रियता बनाए थे, इजाज नाम है इनका, बहुत गोल मारते थे बचपन में, लेकिन अब बचपन में ही गेम खेलना भी छोड़ दिए, बहुत जल्दी कम उम्र। जेवियर का सबसे बेस्ट प्लेयर सैयद फैज। अरे नहीं, हम क्या बेस्ट रहेंगे। तो कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है यहाँ, माहौल कैसा है फुटबॉल का? अभी ऐसे घूमते फिरते आए हैं बाजार में। कैसा लग रहा है रात में मैच देखने? अच्छा, पहली बार आया है। हाँ, अच्छा लगा। चलिए अब मैच स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग बाहर निकलेंगे और यहाँ पे राजू इलेवन और आईएफसी का मैच जो है शुरू होने वाला है। फुल सपोर्ट है राजू इलेवन का, फुल सपोर्ट है। तो पानी अब, हाँ राजू इलेवन पीला जर्सी में है ना, पीला जर्सी में आप देख सकते हैं राजू इलेवन की टीम उतर गई है और उधर जो है लाल जर्सी में, लाल और ब्लू जर्सी में आरएफसी की है। क्या बोल, वेस्ट इंडीज से एक फैन आया हमारे, कहाँ है, कहाँ है? कुटरा के इस गांव में एक ऐतिहासिक मजाक नहीं, नहीं फिलहाल, हाँ जान रहे। मैच दिखाइए, उधर स्टार्ट हो रहा है, देखिए अब मैच स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। और जो राजू इलेवन की मैच जो है, सेकंड मैच आज रात में हम लोगों ने कहा था कि दिखाएंगे, तो वो राजू इलेवन का मैच अब शुरू हो गया है। और दर्शकों से जान के ऐसा लग रहा है कि राजू इलेवन की टीम यहाँ पे बहुत अच्छी है। और अब देखिए क्या है, मैच अब कुछ ही क्षण में शुरू हो चुका है। ये देखिए लाल जर्सी में राजू इलेवन की, पीला जर्सी में राजू इलेवन की टीम जो है वो अटैक कर रही है। इधर जिस तरफ बॉल है ये राजू इलेवन के पास है। और ये देखिए, हाँ ये देखिए फुटबॉल का जो माहौल है कुटरा में, लोग रात रात तक डटे हुए हैं, अभी तक बारिश भी हो रही है लेकिन लोग मैदान नहीं छोड़ रहे हैं। पहला आउट जो है, मत टच करो, कम हो गया, बढ़ाओ ऐसे, और ये देखिए पहला ही शूट जो गोलपोस्ट के पास गया है, राजू इलेवन को अच्छा टक्कर दे रहे हैं आरएफसी। शुरुआत में पहला जो गोलपोस्ट में शूट मारा है वो आरएफसी की टीम ने मारा है। अब बाईं तौर से राजू इलेवन आगे बढ़ रही है और ये लंबा क्लियर और आउट की तरफ, ये पहला आउट जो है वो मिला है राजू इलेवन की तरफ से। आप देखिए किस तरह से, थोड़ा बाबू पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, लाइन के पीछे रहो। लाइन कहाँ है? यही लाइन है ना, तो लाइन के बाहर रहो। हाँ आप देखिए आउट थ्रो के लिए यहाँ पे राजू इलेवन की टीम जो है वो रेडी है। आरएफसी, हाँ आरएफसी ब्लू जर्सी में है और पीली जर्सी में जो है राजू इलेवन की टीम है। अच्छा पास खेल रही है अभी शुरू में राजू इलेवन, देखिए छोटा वाला पास खेल रही है। और ये देखिए एक बैग लंबा पास, यहाँ पे लंबा पास राइट आउट को दिया है लेकिन दूर हो गया और यहाँ पे आउट हो गया। तो अभी आउट जो मिलेगा वो आरएफसी को मिलेगा और आरएफसी आउट थ्रो लेके, आउट थ्रो के लिए, साइड थ्रो के लिए खड़ी है। देखिए हाँ ये अच्छा थ्रो यहाँ पे, और आरएफसी भी अच्छा खेल रही है अभी शुरुआती दौर में। एक दो मिनट में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों टीम टक्कर की है, मैच बहुत अच्छा होने वाला है। और राजू इलेवन की टीम यहाँ पे आगे बढ़ रही है, यहाँ पे लेफ्ट आउट से एक अच्छा पोजीशन बना रही है, यहाँ पे बहुत अच्छा पास, यहाँ पे गोल होने की पूरी संभावना है। देखिए किस तरह से राजू इलेवन की टीम जो है डी लाइन में जाके खेल रही है और अच्छा यहाँ पे पास बनाया है, लेकिन अभी बॉल आरएफसी के हाथ में। हाँ ये आरएफसी के पास बॉल है, आरएफसी भी अच्छा खेल रही है, अच्छा पास दिया यहाँ पे, बहुत अच्छा मौका यहाँ पे बन सकता है, लेकिन डिफेंस अच्छा है यहाँ राजू इलेवन का, डिफेंस अच्छा है। 1 2 3 कॉम्बिनेशन है, 3 4 और 3, 3 4 3 का कॉम्बिनेशन खेल रहे हैं, 3 डिफेंडर हैं, 4 मिडफील्ड में हैं और 3 जो फॉरवर्ड लाइन से खेल रहे हैं।
और लगातार जो है अभी राजू इलेवन अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पहला गोल किसी तरह से निकाल लें। तो देखिए दूसरा मैच जो है रोमांच से भरा फुटरा में स्टार्ट हो गया है और फ्लड लाइट के बीच रात के अंधेरे में यहाँ पे जो मैच चल रहा है फुटबॉल का वो बहुत कम देखने को मिलता है और यही खासियत है इस फुटरा। ए अच्छा मौका और ये गोल की तरफ बॉल उछाला लेकिन नहीं, बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे था फुटरा राजू इलेवन की, पूरी चांस थी यहाँ पे गोल होने की लेकिन डी एरिया में थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पहले ही हाफ में स्टार्टिंग मैच में ही राजू इलेवन जो है वो अटैक पे अटैक किए जा रही है। तीसरा अटैक है, अभी कॉर्नर किक मिला है और यहाँ पे कॉर्नर किक जो है वो बहुत डेंजरस होता है, कभी भी गोल होने की संभावना यहाँ पे होती है और कॉर्नर किक लेके यहाँ पे हाँ शॉर्ट कॉर्नर किक लिया, बॉल को उछाला और यहाँ पे संभावना है स्ट्राइकर लेकिन कोई नहीं। अब बॉल जो है आरएफसी के हाथ में है, आरएफसी आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन टैकल बहुत अच्छा किया राजू इलेवन ने और पीली जर्सी में खेल रही राजू इलेवन अच्छा टैकल कर रही है यहाँ पे अभी भी, लेकिन बॉल पोजीशन जो है वो आरएफसी के पास ही है। आरएफसी काफी अच्छा खेल रही है यहाँ पे, 1-1 पास खेल रही है, अच्छा लंबा भी बॉल भी गिरा रही है, अच्छा गिराया यहाँ पे हेड से, काफी अच्छा पास दिया है लेफ्ट साइड से, यहाँ पे अटैक हो सकता है लेकिन फिर आप देखिए यहाँ पे एक और बॉल जो गिराया है लेकिन यहाँ पे कोई प्लेयर नहीं है, बॉल शायद आउट में चला जाएगा लेकिन प्लेयर अभी भी दौड़ रहे हैं, आउट से निकाल सकते हैं, ये कॉर्नर बना सकते हैं यहाँ पे लेकिन नहीं। राजू इलेवन की टीम देखिए लगातार सतर्क है और अच्छा शॉर्ट पास खेल रही है, प्लेयर पोजीशन सब कुछ उनके हाथ में है। हाँ ये देखिए बहुत अच्छा पास खेलते हैं खिलाड़ी, देख के मैच खेल रहे हैं। ये देखिए फिर से जो है अटैक, यहाँ पे हैंड बॉल हो गया, स्लिपरी की वजह से प्लेयर गिर गए और बॉल जो हाथ से टच हो गया। तो आपको बता दूं कि फुटबॉल में सुनील छेत्री जो है इंडिया के नंबर 3 में है गोल मारने में, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल मारने में, मेस्सी और रोनाल्डो के बाद सुनील छेत्री का नाम आता है। तो इंडिया में फुटबॉल का क्रेज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये देखिए बॉल अभी अटैक में है राजू इलेवन लेकिन ये आउटसाइड आउट हो गया यहाँ पे, अच्छा घुस रहे हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों विंग से जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं राजू इलेवन की टीम। और अभी देखिए यहाँ पे गोल किक लेने के लिए तैयार है यहाँ पे आरएफसी की टीम। ये देखिए फिर से यहाँ पे अब छोटा छोटा पास खेल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं, यहाँ पे अच्छा टैकल किया। हाँ ये देखिए थ्रो जो है राजू इलेवन लगातार जो अटैक कर रही है और बॉल जो है हाफ लाइन को उधर ही खेला जा रहा है लेकिन अब यहाँ पे एक डिफेंस से बचे हुए हैं, अच्छा पास यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं आरएससी की टीम, काफी अच्छा खेल रही है आरएससी की टीम, गोल हो सकता है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक कॉर्नर किक, पहला कॉर्नर किक मिला आरएससी को और ये कॉर्नर जो है काफी डेंजरस हो सकता है, यही कॉर्नर किक जो है ये गोल बना सकता है। चलिए हम लोग और नजदीक से आपको दिखाते हैं ये कॉर्नर किक जो लेंगे, कहाँ से कॉर्नर किक लेते हैं। अब ये कॉर्नर किक लेने के लिए आरएफसी की टीम तैयार है और देखिए यहाँ से कॉर्नर किक जो है लेंगे और यही कॉर्नर किक जो बड़े बड़े मैच में जो कौन लगता है कौन जीतेगा, अभी तो खेला चालू है, राजू इलेवन जीतेगा। देखिए कॉर्नर किक है, गोल हो सकता है यहाँ पे, कॉर्नर किक लेने के लिए आरएफसी की टीम तैयार है। ये देखिए यहाँ से अब कॉर्नर किक मार रहे हैं, ये देखिए अच्छा कॉर्नर किक मारा है, यहाँ पे हेड लेने की संभावना है लेकिन नहीं, अच्छा डिफेंस किया यहाँ पे और फिर आगे बढ़ गए हैं। तो देखिए लगातार क्या लगता है कौन जीतेगा, राजू इलेवन पूरा चांस है किसका, राजू इलेवन का, पीला वाला जो जर्सी हम लोग पूरा उसी का सपोर्ट जितने यहाँ पे बैठे पीला वाला जर्सी, तो देखिए पीला जर्सी जो है उसको जिताने के लिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि लेकिन अभी राजू इलेवन जो है आगे बढ़ रही है, यहाँ पे गोल की संभावना हो सकती है लेकिन नहीं। हाँ इधर दिखाइए भाई, हाँ कौन जीतेगा,
अभी नहीं कह सकते कौन जीतेगा, नहीं कह सकते हैं, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। फुटबॉल में जो अच्छा खेलेगा वही पहुंच जीतेगा। अब ये देखिए यहाँ पे मौका बन सकता है, राजू इलेवन के तरफ से अटैक कर रही है। चाचा कौन जीतेगा, क्या लगता है? जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, जो अच्छा खेलेगा। आप खेलते थे अपने टाइम में फुटबॉल? खेलते थे लेकिन अब तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे लोग जो हैं पूरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक गोल हो जाए। कौन पहला गोल मारेगा? पहला मारेगा ये कौन सा टीम है? पीला वाला, राजू इलेवन। पीला वाला मारेगा? यस यस यस। तो देखिए पीला वाला बोल रहे हैं कि मारेगा पहला टीम, राजू इलेवन। पहला गोल राजू इलेवन मारेगा, राजू इलेवन मारेगा पहला गोल, निश्चिंत है। तो देखिए एकदम यहाँ निश्चिंत है कि पहला गोल जो है राघु। लेकिन अभी जो अटैक कर रहे हैं वो आरएससी की टीम काफी अच्छा खेल रही है, दो अटैक कर चुकी है और गोल की भी कुछ संभावना है। लेकिन देखिए लगातार जो अच्छा खेल रही है राजू इलेवन और आरएफसी की टीम, क्या लगता है कौन पहला गोल मारेगा? तो दोनों सेम है, दोनों का खेल बराबर, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों टीम अच्छा है, दोनों टीम मजबूत है, बढ़िया है। अच्छा मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैच टाई ब्रेकर तक भी जा सकता है क्या? एकदम बराबर है, पेनल्टी तक भी, पेनल्टी भी हो सकता है। हाँ लेकिन दर्शक बहुत यहाँ राजू इलेवन के हैं, राजू इलेवन मारेगा पहला गोल, मारेगा देखिए। लेकिन अभी देखिए गोल जो है वो राजू इलेवन के अपोजिट में है और यहाँ पे चांस बन सकता है लेकिन आउट हो गया यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हाँ ये थ्रो जो हुआ, राजू इलेवन की टीम अभी पीली जर्सी में है और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पे गोलकीपर सतर्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से राजू इलेवन की टीम जो है वो अभी डिफेंस भी अच्छा कर रही है और बॉल जो है लगातार आरएफसी के डी लाइन में। यहाँ अच्छा बॉल खिलाया है, यहाँ पे गोलकीपर सतर्क है, यहाँ पे आगे आके ले रहे हैं, ये अच्छा सेव किया यहाँ पे, आप कह सकते हैं कि काफी अच्छा सेव किया यहाँ पे। और चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये गोल पोस्ट लाइन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जिस साइड में हैं वो राजू इलेवन का साइड है और दोनों साइड से हम लोग आपको मैच दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ दर्शक से ही बात करेंगे बीच बीच में, क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? टीमें नहीं दिख रहा कहीं से, टीमें नहीं दिख रहा है, दोनों टीम दिखे क्या? दोनों टीम इन लोग को ट्रेनिंग दिए थे, पहला बात की रांची में जिससे मैं खेल रहा था हम लोग ट्रेनिंग दिए थे, ट्रेनिंग के दौरान इन लोग फेल कर गए। अच्छा इसके बाद मजा ही नहीं आया खेलने में। सब बोल रहे हैं कि दोनों टीम को ट्रेनिंग की जरूरत है, यहाँ पे जो प्लेयर जो बोल रहे हैं और दोनों टीम जो है वो आपस में देखिए किस तरह से लड़ रही है एक गोल करने के लिए। लेकिन अभी देखिए पहला गोल कौन टीम मारती है वो देखना है उधर ही। हाँ देखिए राजू इलेवन की टीम जो है लगातार अच्छा खेल रही है, बॉल जो है अभी राजू इलेवन के साइड में ही है और वो लोग जो है लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं और दर्शक जो है यहाँ बहुत शांति से देख रहे हैं यहाँ पे। क्या लगता है कौन जीतेगा? अभी तो खेला तो बराबरी पे है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और मतलब इसके पहले वाला मैच देखे थे? देखे थे। जबलपुर कैसा खेला है? बहुत बढ़िया खेला, बढ़िया खेला है, बहुत बढ़िया जबलपुर बढ़िया खेला है। तो ये देखिए लेकिन फुटबॉल का मैच है, यहाँ लोग हल्ला उतना नहीं कर रहे हैं, रीजन है कि बारिश हो गया है और बारिश की वजह से लोग काफी परेशान हैं। कुछ लोग तो छाता लगा लगा के आए हैं लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि क्या लगता है कौन जीतेगा, राजू इलेवन की आरएफसी? आरएफसी जीतेंगे, आरएफसी जीतेंगे। हाँ कितना गोल थे? ये दो गोल से, दो गोल से। हाँ क्या बात है, देखिए आरएफसी के जो फैन है यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं 2-0 से जीतेंगे। कौन जीतेंगे? राजू इलेवन। हाँ राजू इलेवन जीतेगा। हाँ उसी का सपोर्ट में। देखिए राजू इलेवन गोल मार सकता है, बॉल अभी डी एरिया में नहीं है। ये देखिए लेके बॉल रहे हैं आरएफसी की टीम, काफी अच्छा पास और यहाँ पे उल्टा हो सकता है मैच, एक गोल मार सकता है आरएफसी की टीम। ये देखिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिला था यहाँ पे लेकिन देखिए आप डी लाइन में गड़बड़ा गया, अच्छा मौका मिला था लेकिन यहाँ पे गड़बड़ा गया डी लाइन में। कौन जीतेगा क्या लगता है? राजू इलेवन जीतेगा। राजू इलेवन का बहुत फैन है यहाँ पे, देखिए क्या होता है, राजू इलेवन जीतेगा। कौन जीतेगा आज का मैच? हजारीबाग जीतेगा, पूरा हजारीबाग जीतेगा, राजू इलेवन जीत रहा है सर। राजू इलेवन क्या लगता है? राजू इलेवन। अरे बरबरा भाविक साहब देखना था हमको। ये देखिए खुटरा में जो आए हुए हैं इंस्टाग्राम से प्यार भाई लड़की, उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। 3 लाख रुपया मिला यहाँ मैच के लिए। किसको मिला है? यहाँ अभिलाष को। हाँ सुने बरबरा? अच्छा जी। 3 लाख रुपया दिए, सुने मिला है? जी जी सुने हम लोग, सुने हम लोग, सही बात है। अब देखिए सच्चाई क्या है, देखिए पता करना पड़ेगा हम लोग, है ना। तो ये देखिए अब जो फुटबॉल का मैच है वो राजू इलेवन जो है लगातार जो है अटैक कर रही है। ये देखिए अच्छा शॉट, गोल पोस्ट के बाहर हो गया,
गोल हो सकता था लेकिन काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जीतेगा हर हाल में, जीतेगा। देखिए राजू इलेवन जीतेगा हर हाल में, लोग बाहर आ जाइए यहाँ। तो अब जो है लोग यहाँ पे पूरा हल्ला कर रहे हैं कि राजू इलेवन जीतेगा। क्या लगता है राजू इलेवन जीतेगा? जीतेगा, टीम अच्छा है उसका, टीम अच्छा है राजू इलेवन का, टीम अच्छा है लोग बोल रहे हैं। और किस तरह से जो परफॉर्मेंस लगातार है, ले चुके हैं, ले चुके हैं, ले चुके हैं। हाँ ये भयानक खिलाड़ी है, बताइए क्या। अरे बाहर हो, बाहर हो जहाँ, ये देखिए आउट है। अच्छा तुरंत क्या, कैसा खेल रहे हैं राजू इलेवन? बहुत अच्छा, अभी दोनों टीम के खेल लमसम बराबर, ठीक है, बराबर है, दोनों का बराबर ही, दोनों बैलेंस की टीम है, बहुत टाइम है, इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन अच्छा खिलाड़ी का पहचान यही है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, सही बोल रहे हैं। देखिए और ये देखिए अच्छा अटैक यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अच्छा तालमेल से खेल रहे हैं अभी राजू इलेवन। पास दे रहे हैं तो अपने ही प्लेयर को पास दे रहे हैं, वन टच पास खेल रहे हैं ये देखिए। और बहुत अच्छा साइड से भी लेके निकल रहे हैं यहाँ पे, राइट विंग और लेफ्ट विंग इनका जो है वो बहुत पावरफुल है, और कोना से मैच को आगे ले जाना चाह रहे हैं। ये डी एरिया में जो है मामला है, मामला यहाँ पे गोल वाला हो सकता है। देखिए किस तरह से जा रहे हैं राजू इलेवन आगे, लेकिन डिफेंस भी आरएफसी की बहुत अच्छी है। आरएफसी जीतेगा और ट्रॉफी भी आरएफसी जीतेगा। सब बोल रहा है कि राजू इलेवन जीतेगा, बोलने से नहीं हो जा मैच, आप देख लीजिए भी बोलने में। ये देखिए राजू इलेवन गोल कर सकती है यहाँ पे, नहीं नहीं हुआ, नहीं हो सकता है ना, नहीं होगा। जीते जा आरएफसी, आरएफसी जीतेगा जी। अच्छा आरएफसी जीतेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत पुराने फुटबॉलर है यहाँ पे सिकंदर जी, क्या लगता है कौन आपका टीम आरएफसी जो है जीतेगा कि हारेगा, क्या लग रहा है? जीतेगा, जीतेगा। कितना प्रैक्टिस हुआ है? प्रैक्टिस हुआ है टीम, साल भर प्रैक्टिस हुआ है, छह महीना, कितना? छह महीना प्रैक्टिस हुआ है। तो आप अपने टाइम में कौन पोजीशन से खेलते थे? राइट आउट, राइट आउट से। तो राइट आउट तो बहुत तेज होगा यहाँ वाला, है ना? कितना कितना गोल से अगर जीतेंगे तो मतलब आपको लगता है कि चैंपियन हो जाना है आगे, क्या पोजीशन है कि खेल है? देखिए वो भी अच्छा टीम है, ये भी अच्छा टीम है। पहले से और अब में क्या फर्क आया है खुटरा में, फुटबॉल में चेंजेस? फुटबॉल में तो यहाँ बहुत चेंजिंग आया है, बहुत चेंजिंग आया है। पहले का आपका माहौल चेंज हो गया पूरा, यहाँ बहुत अच्छा अच्छा ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो बहुत अच्छा अच्छा टीम आ रहा है फुटबॉल का। हाँ टीम आ रही है तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा, गेम अच्छा होने लगा है, अच्छी अच्छी टीम आ रही है यहाँ पर। तो देखिए अच्छा अच्छा टीम खुटरा में आने लगी है, कहाँ से आए? यहीं से है। क्या लगता है कौन जीतेगा? जीतेगा राजू इलेवन, राजू इलेवन जीतेगा। ये आरएफसी के बगल में बैठ के आप बोल रहे हैं राजू इलेवन जीतेगा? जमशेदपुर का टीम बढ़िया, तो देखिए जमशेदपुर, हाँ हाँ चलो, कौन कौन जीतेगा, कौन कौन जीतेगा, क्या लगता है? जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। अभी इतना देर का मैच हुआ है, इतना देर में कौन अच्छा खेल रहा है? राजू इलेवन अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, पोजीशन पकड़े हुआ है पूरा पोजीशन में, आरएफसी से अच्छा खेल रहा है। तो देखिए यही है, अब मैच देखिए डी एरिया में ही खेल रहा है, ये अच्छा मौका मिल सकता है यहाँ पे, नहीं लेकिन नहीं, यहाँ पे फिर से एक राजू इलेवन की तरफ से एक गोल का मौका बनाया जा रहा है, लेकिन गोल हो नहीं पा रहा है। और ये देखिए डी एरिया में आरएफसी गोल मार सकती है। हेलो, हाँ बोल, बाहर है, हाँ लगेगा टाइम, एक घंटा दो घंटा। हाय सर, हाय भैया, हम भी देख ली भैया, बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए राजू इलेवन और आउट। जाओ कोच से बात करो, ये आरएफसी आपकी टीम खेल रही है, कौन सी टीम है आपकी? आरएफसी हजारीबाग, आरएफसी हजारीबाग। लगभग हम लोग यहाँ पे अभी जो पिलावल में मैच हम लोग जीते थे, रिटायर इलेवन ही वहाँ पे आरएफसी, और अभी ये जो मैच हम लोग लाए तो खेल रहे हमारा एक पूरा टीम, ये बहुत कंबाइंड टीम है। अच्छा,
ये क्या लगता है कितना प्रैक्टिस किए हैं आप लोग? प्रैक्टिस तो लगभग सालों भर होता है, सालों भर होता है। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? प्रैक्टिस करते हैं हम लोग यहाँ हजारीबाग इसमें। अच्छा, केन इस्लामिया। प्लेयर लोग कैसे हैं? मतलब प्लेयर बहुत बढ़िया है, एक रोशन हमारा है बहुत बढ़िया है, और एक बार मोहम्मद फैसल हुसैन है, स्ट्राइकर से खेल रहा, ये सेल बोकारो में है। अच्छा, यही रहते हैं वो? नहीं, अभी बाहर से लाए हैं, अभी छुट्टी में आया हुआ इसलिए ये खेल रहा। यहाँ डेंजरस हो सकता है, मैं कैमरा को दिखाए। हाँ, तो अभी तक का गेम क्या लग रहा है आपको? अभी टीम में थोड़ा हमारा टीम 19 है। अच्छा, 19 हम है। तो बिल्कुल साफ साफ बोलने वाले में से हैं। और अच्छा है राजू 11 थोड़ा, अच्छा, थोड़ा है। अच्छा है हमको जो दिख रहा, लेकिन उम्मीद है अभी सेकेंड हाफ में हम लोग इसको ठीक फिर से समझा के और बढ़िया से, और हम चाहेंगे कि हमारा टीम जीते। तो देखिए कोच हैं ये राजू 11, क्या नाम हुआ? मैनेजर मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन, जिसको में हम 14 साल फुटबॉल खेले। अच्छा, बेटा इसको भी में आप फुटबॉल खेले? में 14 साल फुटबॉल खेले हम। तो वहाँ पे कैसा फुटबॉल होता है इस टाइप का? पे नहीं, वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया था हम लोग के टाइम में, और टीम बहुत बेहतर था हम लोगों का। और TCS टाटा कोलियरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन से हम खेले, और वही ड्यूटी करते थे 91 से 2005 तक। अच्छा, फुटबॉल से ही आपका नौकरी लगा था? नहीं, फुटबॉल से नहीं लगा हमारा। वहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन फिर उन लोग ये निकालता है कि आप अगर कोई बढ़िया प्लेयर है तो आप आइए टीम में। तो हम जब गए तो लगातार 3 गोल किए हम ट्रायल में। अच्छा, तो हमको फिर उस टीम में रख लिया गया। अच्छा, उस टीम में रखे और हम चैलेंज करके बोले नहीं हम खेलेंगे, और आपका सभी प्लेयर से हम बेहतर है। अच्छा, नहीं हो पाया वो एक अलग बात है। हम उनके मैनेजर से बोले थे, हम ट्रायल दिए थे, तो हम बोले सर जो भी आपका प्लेयर है वो हमारे साथ एक एक करके खिलाइए आप, हम विन करेंगे। तो फिर हमको हो गया, वहाँ पे खेले हम बहुत अच्छा खेले, और अच्छा, बहुत दिन खेले 91 से लगभग 2005 तक। अच्छा, उसी टीम में रहे, टिस्को टीम में रहे। ठीक है, इनको 14-15 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, रनिंग में भी हम क्रॉस कंट्री में 94 में सिलेक्शन हुआ था। बोकारो स्टील हम लोग गए थे क्रॉस कंट्री खेलने। अच्छा, और स्टील टीम में भी हमको सिलेक्शन मिला था। अच्छा, टिस्को से। तो ये सब बहुत तमाम बात है, और अभी तो चाहते हैं कि बस हमारा टीम, बस आपका टीम। तो यहाँ पे कौन आपके स्ट्राइकर जो है वो कौन? स्ट्राइकर मोहम्मद फैसल हुसैन। बैक जो मेन डिफेंस कौन है? ये मेन डिफेंस है, ये है किशन। किशन ये 8 नंबर 9 नंबर नहीं, वो 3 नंबर। अच्छा, वो किशन नाम है, एक वो है किशन, मेन डिफेंस है वो लंबा वाला। अच्छा, किशन रामगढ़ में है। अच्छा, और ये है भी जसीम भाई, ये दिए हैं इनको। अच्छा, और हम लोग RFC सब मिलके चलाते हैं। अच्छा, हमारा एक टीम है जो रिटायर्ड फुटबॉल क्लब को सब मिलके चलाते हैं, जिताना चाहते हैं। अच्छा, रिटायर फुटबॉल क्लब है और सब मिलके एक टीम बनाया है, और यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं इस टीम को। हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़े, और जितने भी नए बच्चे हैं वो आगे बढ़े, ये हम लोग का मेन उद्देश्य है। कैमरा मैन को गोलकीपर को दिखाया है, बहुत लंबे गोलकीपर हैं, कैसा है? बहुत बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहाँ के हैं ये? मतलब ये हजारीबाग के हैं। हजारीबाग के हैं, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए पीली जर्सी में जो टीम है वो राजू 11, और RFC जो है ब्लू जर्सी में लगातार अटैक कर रही है। RFC बहुत अच्छा खेल रही है, ऐसे शुरू का तो 5-10 मिनट वैसा नहीं था, लेकिन अब जो है वो लय पकड़ रही है RFC की टीम, और जो तालमेल बना रही है वो काफ़ी अच्छा बना रही है। डिफेंस काफ़ी अच्छा है इनका, और कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं अभी। और ये लगातार राजू 11 की टीम जो है कोशिश कर रही है कि एक गोल निकाले, लेकिन नहीं, उन्हें रो आने नहीं दिया जा रहा है। डिफेंस जो है राजू 11 RFC की टीम वह बहुत अच्छा खेल रही है डिफेंस, और यही कारण है कि अभी तक एक भी गोल राजू 11 को मारने नहीं दिया गया है। और मैच जो है अपने देखिए फर्स्ट हाफ के अब कुछ ही टाइम बचा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑफ साइड का जो इशारा है वो रेफरी ने दिया है, और लगातार कोशिश कर रही है दोनों टीमें कि कहीं से एक गोल निकल के आ जाए, लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए निकलेगा। तो देखिए कोच जो बोल रहे हैं कि इनका जो स्कोर है जरूर एक निकलेगा RFC, और RFC लगातार अटैक बना रही है, लेकिन अभी जो बॉल है वो राजू 11 के पास बॉल है। राजू 11 भी अटैक कर रही है, पीली जर्सी में राजू 11 खेल रही है, और दोनों टीमें जो हैं अभी तक का यही हाल है कि परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है। सीधा रखो, हाँ, दोनों टीमें जो हैं उनका परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है अभी तक। और ये पीली जर्सी में देखिए राजू 11 एक और स्ट्राइक कर रहे हैं, छोटा छोटा खेल रहे हैं, लंबा लंबा नहीं गिरा रहे हैं, ये लोग छोटा छोटा पास खेल रहे हैं, और
कम्बिनेशन से ले जाके लास्ट तक जाके गोल मारने की कोशिश कर रहे हैं। दूर से ऐसा शूटिंग अभी तक हम लोगों ने एक भी नहीं देखा है कि गोल पोस्ट में दूर से कोई शूट ट्राई कर रहे हैं। वैसा स्टाइल जो है वो अभी शॉर्ट पास का इनका है, दोनों टीमें वही हैं, शॉर्ट पास खेल खेल के आगे आगे तक ले जाके गेम बनाना चाह रही है। तो ये देखिए अभी फिर से राजू इलेवन जो है वो आगे चल रही है और अच्छा मैच खेल रही है। यहाँ पे अच्छा मैच देखने को मिल रहा है, दोनों ही टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है। राजू इलेवन की टीम हो चाहे आरएफसी की टीम हो, दोनों अच्छा खेल रही है। दोनों सालों भर प्रैक्टिस करती है और खुटरा में जो माहौल रहता है डे नाइट का वो लाजवाब रहता है और इसी मैच को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अभी बारिश हो रही है, भीड़ कम है, लेकिन लोग छाता लेके मैच देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ग्राउंड भी ये देखिए राजू इलेवन अच्छा मौका बना सकती है, यहाँ पे गोल हो सकता है। यहाँ पे डी एरिया में मैच है और ये काफी अच्छा क्लियर डिफेंस काफी अच्छा कर रहे हैं राजू इलेवन। देखिए डी एरिया में मैच, अच्छा शॉट मारा है यहाँ, लेकिन गोलकीपर ने काफी अच्छा यहाँ पे रोक लिया। छाता पकड़ो, छाता छाता तो ये देखिए अभी किस तरह से राजू इलेवन की जो टीम है वो खेल रही है और अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है यहाँ पे। अरे आशुतोष बात की, भेज दो लिंक, लिंक चलाएं अभी रचना वाला, अभी वाला चलाएं। तो ये देखिए राजू इलेवन की टीम अब अटैक कर रही है, यहाँ से अच्छा मौका मिल सकता है इनको। देखिए राइट विंग से इनका अच्छा है, लगातार जो अटैक है वो राइट विंग से जा रहा है यहाँ पे, और पीली जर्सी में जो राजू इलेवन है वो अटैक पे अटैक किए जा रही है। और देखिए किस तरह से, हाँ अब लेफ्ट विंग में बॉल चला गया है और लेफ्ट की तरफ से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। और ये देखिए अच्छा बॉल यहाँ पे गिराया है डी एरिया में, यहाँ पे गोल होने की संभावना है, लेकिन वहाँ पे उनके कोई प्लेयर मौजूद नहीं है, उछाल दिया है। डिफेंसिव काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं आरएफसी की टीम और डिफेंस में उनका अच्छा परफॉर्मेंस। ये अच्छा शॉट लेकिन थोड़ा सा बचा है, ऑडियंस को लगा जाके गोल नहीं हो पाया और गोलकीपर सतर्क हैं वहाँ पे। तो ये देखिए किस तरह से बॉल लेके खड़े हुए हैं यहाँ पे गोलकीपर, गोल किक मारने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। और आरएफसी के गोलकीपर जो है हाइट काफ़ी अच्छी है यहाँ पे उनकी और किक भी काफ़ी अच्छा लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे अभी आरएफसी के गोलकीपर जो किक ले रहे हैं, ये अच्छा किक लिया यहाँ पे। और आरएफसी भी अच्छा खेल रही है, वन टच पास खेल रही है, पास अच्छा दे रही है, लेफ्ट साइड से देखिए निकलने की कोशिश भी कर रही है। लगातार जो अभी तक का मैच हुआ है दोनों टीमें जो हैं वो ज़बरदस्त खेल रही हैं, दोनों टीमों को मैच में जो है वो लाजवाब कम्बिनेशन देखने को। ये अच्छा पास फॉल थ्रू दिया है यहाँ पे, स्ट्राइकर जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन अच्छा डिफेंसिव आरएफसी की टीम है यहाँ पे, बहुत अच्छा डिफेंस किया यहाँ पे, लेकिन अभी फिर मिल गया है राजू इलेवन को और यहाँ पे आउट हो गया। ये अच्छा मौका बना रहे हैं, हमेशा अच्छा मौका बना रहे हैं राजू इलेवन। और जो लगातार है यहाँ पे, हाँ जो लगातार है यहाँ पे खेल रहे हैं, गोलकीपर जो है वो गोल किक लेने के लिए तैयार है यहाँ पे। और देखिए अच्छा गोल किक यहाँ से, आपको बता दूं कि पीली जर्सी में जो खेल रही है वो राजू इलेवन की टीम है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अभी दो तीन अटैक अभी तुरंत किया उन्होंने, लेकिन गोल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक का स्कोर जो है वो 0-0 है। और आपको बता दूं कि इससे पहले जो मैच हुआ था खुटरा का और यादवपुर जबलपुर एफसी का, तो जिसमें खुटरा 2-0 से हार गई थी, खुटरा यहीं की लोकल टीम है, जबलपुर एफसी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पिछली मैच में, जो हम लोगों ने दिखाया उनका लास्ट का अंश और इसी वीडियो में, तो वो काफ़ी अच्छा खेल रही है। और यहाँ पे देखिए पहला जो फॉल है वो मिला है, बड़ा फॉल आप कह सकते हैं, तो रेड कार्ड या येलो कार्ड यहाँ पे शायद दिखाएंगे रेफरी, इस तरह का लग रहा है। इंजर्ड हो चुके हैं आरएफसी की टीम, गिर गए हैं ग्राउंड में, अब मेडिकल टीम की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे। ये देखिए मेडिकल हेल्प मंगाया जा रहा है, कोच को वहाँ बुलाया जा रहा है, शायद यहाँ पे प्लेयर जो है वो चेंज होंगे। ये एक प्लेयर जो है अभी ग्राउंड में गिर गए हैं, आप देख सकते हैं फॉल जो हुआ है काफी बड़ा फॉल था। ये देखिए एक मेडिकल किट लेके यहाँ से जा रहे हैं मेडिकल की टीम,
ऑर्गेनाइजर की तरफ से जो मेडिकल टीम है जा रहे हैं, कोच जो है वो दौड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे एक प्लेयर जो है इंजर्ड हो गए हैं और साथ में सपोर्ट स्टाफ हैं, वो प्लेयर जो है वो ग्राउंड में गिर गए हैं और हम लोग जानते हैं यहाँ पे आके देखते हैं आखिर क्या हो गया। तो ये देखिए किस तरह से एक प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो गए हैं यहाँ पे। क्या आरएफसी का प्लेयर इंजर्ड हो गया है, क्या लगता है ठीक हो जाएगा? तो आरएफसी का एक प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो गया है, ग्राउंड में गिर गया है, यहाँ पे एक फॉल हो गया था, यहाँ पे एक देख सकते हैं फॉल हो गया, लेकिन अब देखिए प्लेयर जो है उठ रहा है। क्या लगता है किसका फॉल था, फॉल कैसे हुआ? आप लोग मैच देख रहे हैं यहाँ पे, फॉल नहीं हुआ था, वो मार रहा था एक्शन, इसके चक्कर में स्लिप करके गिर गया है। हाँ, फॉल नहीं, अटक रहा है नहीं है, हम लोग चोट ज्यादा लगा है क्या? चोट ज्यादा नहीं लगा हुआ, खेल लेगा, ज्यादा चोट नहीं लगा है। और यहाँ पे देखिए प्ले ऑन हो गया है, फिर से देखिए खड़े हो गए हैं जो प्लेयर गिरे थे, फिर से खड़े हो गए हैं। हाँ, वही प्लेयर देखिए अच्छा किक मार रहे हैं। तो राजू इलेवन जो है पूरा टक्कर दे रही है, बहुत अच्छा खेल रही है, और आरएफसी जो है आरएफसी वो भी बहुत जबरदस्त खेल रही है। दोनों टीम है, टक्कर का टीम है, कुछ भी हो सकता है मैच में। हाँ, ये देखिए गोल डी एरिया में खेला जा रहा है, हम लोग अब आ गए हैं, हम लोग जिस साइड में है ब्लू जर्सी में वो है आरएफसी की टीम है, रिटायर्ड फुटबॉल क्लब सब लोग मिलके बनाए हैं, और उसके बाद जो पीली जर्सी में है वो राजू इलेवन की टीम है अपोजिट साइड में, जिस साइड में हम लोग खड़े हुए हैं आरएफसी की टीम है, और लगातार बॉल आप देख सकते हैं पोजीशन में है राजू इलेवन के, ज्यादा बॉल उन्होंने रखा है अपने पास। और फर्स्ट हाफ हो चुका है, एक हाफ होने के बाद अभी भी कोई भी गोल नहीं हुआ है, पहला हाफ खत्म होने के बाद कोई गोल नहीं हुआ है। अब हम लोग थोड़ा देर में सेकंड हाफ भी दिखाएंगे, क्या लगता है? एक हाफ हो गया 0-0 हो गया, अब होगा बाद में देखा जाएगा, हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत देर से आए हैं, चलिए जाइए हम लोग लाइव करेंगे, देख लीजिएगा ठीक है। तो अब पहला जो हाफ है वो खत्म हो गया है और स्कोर जो है वो 0-0 है। हम रेफरी के पास जाएंगे और बात करेंगे कि पहला हाफ जो है वो कैसा रहा मैच, और पहला हाफ का मैच जो है वो लाजवाब रहा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पहला हाफ का मैच में क्या रहा, परफॉर्मेंस क्या रहा। तो ये देखिए जो रेफरी है वो करा रहे थे, पहला हाफ कैसा रहा, मतलब कौन कौन खेला, क्या खेला? दोनों टीम बेस्ट खेल रहा है, एकदम बेहतरीन। कोई रेड कार्ड येलो कार्ड नहीं सर, अभी नहीं कुछ नहीं, एकदम बेहतरीन गेम चल रहा है दोनों, मतलब क्या बोला, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए दोनों टीम खेल रहा है। टोटल कितना फॉल हुआ है अभी तक? मात्र एक ही फॉल हुआ है, एक ही फॉल हुआ है 30 मिनट में, एक ही फॉल। क्या बात है, मतलब बहुत अच्छा खेल, बहुत अच्छा गेम खेल रहा है दोनों टीम, फेयर गेम, एकदम फेयर गेम, बिल्कुल फेयर गेम सर। चलिए, आप लोग भी मजा आ रहा होगा कराने में, है ना? देखिए सर, हम लोग का तो ड्यूटी ही है, सब तरह का प्लेयर मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन फेयर गेम हो रहा है यहाँ पे, एक ही फॉल हुआ है पूरा 30 मिनट का मैच में, एक फॉल हुआ है, और जो टीम है अब वेट कर रही है सेकंड हाफ का। फर्स्ट हाफ यहाँ पे खत्म हो गया है, टीम जो है पानी पी रही है, ग्लूकोज पी रही है, रेस्ट कर रही है, और जो आरएफसी की टीम है यहाँ पे उसके प्लेयर पुराने कोच है। क्या लगता है, आप क्यों नहीं खेल रहे हैं? बस अब इन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए थोड़ा खेलने के लिए। हाँ, तो क्या पोजीशन है, क्या है परफॉर्मेंस? फिलहाल तो मैच बराबरी का ही चल रहा है, लेकिन 0-0 है, एक गोल जल्दी उतारना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो है, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि एक गोल उतर जाएगा। आरएफसी की टीम देखिए लगी हुई है लगातार, और यहाँ पे जो है राजू इलेवन की टीम है वो भी पूरी कोशिश कर रही है। फर्स्ट हाफ जो है उन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन अब जो है फर्स्ट हाफ जो है वो अच्छा खेला है, अब सेकंड हाफ जो है 0-0 है, अब एक गोल की तलाश जो है वो कर रहे हैं यहाँ राजू इलेवन के कोच हैं। क्या लगता है, एक गोल करेंगे? कोशिश तो रहेगा गोल करने का। पहला आपका मैच कैसा लग रहा है, क्या हुआ दोनों तरफ? मैच तो थोड़ा ग्राउंड गीला है ना, जिसके कारण बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, ज्यादा स्पीड हो जा रहा है, मिला था चांस, मिस कर गया। सेकंड हाफ गोल करेंगे, सेकंड हाफ गोल करेंगे, तो आप तैयार हैं सेकंड हाफ देखने के लिए। फर्स्ट हाफ में स्कोर यही है कि 30 मिनट का मैच खत्म हो गया है, 0-0 स्कोर है। अरे तो फुटबॉलर है, कहाँ से आया है, कौन टीम का है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का है? मेसी।
मेस्सी कहाँ से खेलता है? अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना से खेलता है। देखिए मेस्सी का फैन यहाँ पे है और फर्स्ट हाफ में फर्स्ट हाफ खत्म हो गया है, 0-0 हो गया है, क्या लगता है? हमको तो कुछ नहीं लगता फिलहाल तो, हम भी ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ। अभी आज नहीं कर रहे हैं दरअसल कि मेरा मोबाइल का बैटरी भी डाउन है, वरना ब्लॉगिंग करते हैं। अच्छा। तो करते हैं, फाइनल में जरूर करेंगे। फाइनल में करेंगे। हाँ। क्या है नाम चैनल का? ड्रिप ब्लॉगर, DRIPT ब्लॉगर। ड्रिप ब्लॉगर। हाँ। अच्छा ड्रिप ब्लॉगर है। यहाँ पे देखिए फुटबॉल मैच दिखाने के लिए कुटरा का जो माहौल रहता है वो लाजवाब रहता है। अब देखिए छोटे छोटे यहाँ पे मेसी है यहाँ पे, अब स्कोर हो गया, क्या लगता है? तो अब फर्स्ट हाफ खत्म हो गया है, सेकंड हाफ में जीतेगा तो राजू इलेवन ही जीतेगा। राजू इलेवन, राजू इलेवन पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है पूरा। क्रिकेट में इतना भीड़ क्यों नहीं होता है? क्रिकेट नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, लंबा चलता है, लंबा चलता है, बोरिंग होता है, बोरिंग होता है। तो दोनों मैच में यही फर्क है। अब फर्स्ट हाफ जो है वो खत्म हो चुका है 0-0। हम लोग फिर से आते हैं सेकंड हाफ में और देखते हैं कि कौन जीतेगा ये जो मैच है, वो इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि जीतने वाला है। पकड़ो। तो यही है खुटरा में। हाँ, खुटरा में जो है वो रात में भी फुटबॉल मैच चल रहा है और फाइनल मैच जो है वो 9 तारीख को फाइनल मैच जो है वो 9 तारीख को होगा। अभी तक का यही अपडेट है कि 5 तारीख को मैच शुरू हुआ और जितने मैच हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। खुटरा में जो माहौल रहता है, गांव में इतना बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट शायद कभी नहीं होता है। हम लोग 9 तारीख को हो सकता है फाइनल मैच दिखाने के लिए पूरा मैच दिखाएंगे। आज हम लोग यहीं पर आपसे विदा ले रहे हैं। 2 मैच हम लोगों ने लाइव दिखाया जिसमें एक मैच खुटरा की टीम जबलपुर से 2-0 से हार गई है। अभी जो मैच चल रहा है वो RFC रिटायर्ड फुटबॉल क्लब और जो पीली जर्सी में टीम है वो राजू इलेवन, बहुत पॉपुलर टीम है। देखिए इन दोनों में कौन जीतता है, लेकिन हम लोग आपको पूरा अपडेट 9 तारीख को देंगे, कितने मैचेस हुए, सेमीफाइनल में कौन जीता, क्वार्टर फाइनल में कौन जीता। अभी हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।